लेट्स मूव टू फिस्कल पॉलिसी नाउ। बिकॉज ऑलरेडी मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ के आए हैं, तो एक बार उससे मैपिंग करने में बहुत ज्यादा सही रहेगा। फिस्कल पॉलिसी को FP लिख दूंगा। मॉनेटरी पॉलिसी में मेन इंटेंशन था क्या? इन्फ्लेशन मैनेज करना। ऑब्जेक्टिव वॉज इन्फ्लेशन मैनेजमेंट। इन्फ्लेशन मैनेजमेंट मतलब प्राइस स्टेबिलिटी देखना, हाँ या ना? यहां पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखना इज द इंटेंशन। दिस इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव। अदर ऑब्जेक्टिव्स आर एलोकेट रिसोर्सेस टू डिफरेंट सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, या फिर ये तो सरकार के दायरे में आ रहा है ना, तो मतलब व्हाट यू कॉल एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसे करते हैं? एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एक सर्टेन इनकम के ऊपर सरचार्ज लगाने लग जाते हैं। इंडिया में क्या है, इंडिया में इनकम टैक्स रेट किस तरीके से लगते हैं? आपकी महीने की तनख्वाह 10,000 रुपए, कोई टैक्स नहीं है, ठीक है ना? 2-3 लाख, मतलब स्लैब लैब में नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी के लिए चलो स्टैंडर्ड वे में बोल लेता हूं। मान लो इंडिया में 5 लाख रुपए तक के लिए नो इनकम टैक्स, इनकम टैक्स इज निल। अब इंडिया में जो बंदा 5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम कमाता है उसको कोई टैक्स नहीं देना। 5 लाख रुपए की सालाना इनकम कमाने वाला बंदा, कमाने वाला व्यक्ति, ही इज प्रोबेबली नॉट व्हाट यू कॉल नॉट हैविंग इनफ मींस टू शेयर एनी पार्ट ऑफ इनकम विद द गवर्नमेंट। अभी ऐसे व्हाइट और ब्लैक की बात मत करना मुझसे, ठीक है? हम सारे के सारे शरीफ लोग, सारा का सारा इनकम टैक्स देने वाले लोग, ठीक है ना? तो जो 5 लाख रुपए की इनकम कमा रहा है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। एंड देन ठीक है, देयर इज अ स्लैब सिस्टम, बट देन लेट्स से बीच में एक इनकम कैटेगरी है जहां पे मान लो ये 25% टैक्स ले रहे हैं, या 30% भी चलो टैक्स ले रहे हैं। बट अगर आप हाई इनकम ग्रुप की बात करेंगे तो यहां पे जाके क्या बोल रहे हैं, दैट वॉट एवर टैक्स इज देयर 30% ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस टैक्स जितना आपने दिया उसके ऊपर 10% का सरचार्ज रहेगा, इसके ऊपर एजुकेशन सेस रहेगा एंड वॉट नॉट। तो ये सरचार्ज कब आ रहा है? ऑन यू अर्निंग एक्सेसिव इनकम। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, आप ज्यादा पैसा कमा रहे हो, ज्यादा टैक्स भर दो। क्यों? क्योंकि जो कम पैसा कमा रहे हैं हम उनसे तो टैक्स ले नहीं रहे। इनफैक्ट ये एक और चीज क्या करेंगे, ये तो 5 लाख रुपए इनकम वाले हैं, जो बेचारों के पास कोई इनकम नहीं है इनको अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम मनरेगा में कवर करेंगे। यस नो? राशन शॉप्स में जाके सस्ता राशन फूड मिलता है, चीनी सस्ती मिलेगी, गेहूं चावल सस्ता मिलेगा, यस नो? ये सारी की सारी बेनिफिट्स कैसे पास ऑन की जाएंगी? या फिर एक वो थी ना गवर्नमेंट की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, मतलब कि आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे आ जाएंगे, है ना? ये सारे के सारे सोर्स कहां से कर रहे हैं? बाय मेकिंग श्योर दैट सम कैटेगरी, मतलब सम कैटेगरी ऑफ इनकम, मतलब सम फोक्स हु आर इन दिस हाई इनकम कैटेगरी ग्रुप दे आर चार्ज्ड मोर, तभी तो इनको पे कर पाएंगे, हाँ या ना? विथ मी टिल दिस पॉइंट? श्योर? दिस वॉज अबाउट द ऑब्जेक्टिव। अब कौन सी बॉडी कवर कर रही है मॉनेटरी पॉलिसी में, क्या है? रिजर्व बैंक। और यहां पर, यहां पे रिजर्व बैंक और यहां पे है गवर्नमेंट, ठीक है? टूल्स क्या यूज हो रहे हैं यहां पे? व्हाट आर द टूल्स बीइंग यूज्ड? अच्छा चलो, टूल्स पे जाने से पहले चलो एक बार लिख लेता हूं फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट डू यू कॉल कंप्लीशन। यहां पे तो टूल्स पता ही है आपको क्या थे, O3,
ओएमओ रिजर्व रिक्वायरमेंट्स पॉलिसी रेट, नाम नहीं लिख रहा, बट यहाँ पे टूल्स क्या है, यहाँ पे एक है रेवेन्यू टूल्स और दूसरे टूल्स का क्या नाम था, स्पेंडिंग टूल्स, करेक्ट, रेवेन्यू टूल्स एंड स्पेंडिंग टूल्स, करेंगे इसकी डिटेल में आगे चल के बात। ठीक है, दिस वॉज पॉइंट वन बेसिक्स। पॉइंट नंबर टू, बजट के ऊपर बात कर लेते हैं। रुको, सोर्स ऑफ इनकम फॉर गवर्नमेंट ये क्या है, टैक्सेस, एक्सपेंसेस क्या है गवर्नमेंट के, स्पेंडिंग, ये डिटेल में आगे चल के डिस्कस करेंगे, अभी के लिए बजट की बात करते हैं। बजट में अगर सरप्लस है और केस टू बजट में डेफिसिट है, सरप्लस के केस में क्या हो रहा है, सरप्लस के केस में इनकम मोर देन एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस मोर देन इनकम, इनकम मोर देन एक्सपेंसेस मतलब क्या, टैक्स मोर देन स्पेंडिंग, और यहां पे क्या होगा उल्टा, यहां पे टैक्स विल बी लेस देन स्पेंडिंग, यस नो, जब टैक्स मोर देन स्पेंडिंग है, जब टैक्स मोर देन स्पेंडिंग है तो इसे बजट सरप्लस कह रहे हैं, क्या मैं इसे कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी बोलूंगा, क्या मैं इसे कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी बोलूंगा, लिखो मत अभी कुछ भी, ये चलो लिख लो ठीक है, इज दिस कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, और इस केस में इज दिस एक्सपेंशनरी पॉलिसी, हाँ या ना, आंसर है नो। आपकी बुक्स पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग ये गलती करते हैं इसलिए स्पेसिफिकली बोला, आपकी बुक्स में देखो स्पेसिफिकली क्या लिखा हुआ है, सरप्लस अकर्स व्हेन टैक्स रेवेन्यूज एक्सीड एक्सपेंडिचर, मैंने जहां स्पेंडिंग लिखा आप इसको एक्सपेंडिचर बोल लीजिए और क्या, ठीक है ना, सरप्लस अकर्स व्हेन टैक्स एक्सीड्स एक्सपेंडिचर, डेफिसिट अकर्स व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड्स टैक्स, नेक्स्ट लाइन बोल रही है इंक्रीज इन डेफिसिट इज कंसिडर्ड एक्सपेंशनरी, ये बात समझ आ रही है, सुनना, गवर्नमेंट ने 40 करोड़, अच्छा मुझे बात बताओ जनरली बजट में क्या होता है, डेफिसिट होता है या सरप्लस होता है, क्यों जनरली सरकार इनकम कम और एक्सपेंसेस ज्यादा क्यों रख रही है भाई, अच्छा हाँ अच्छा ऐसे दूसरे तरीके से लो, मुझे एक चीज बताओ, सरकार फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हैं वहां पे, पढ़े लिखे होंगे जो भी है ना, निर्मला सीतारमण ना, जेएनयू लंदन, पता नहीं क्या क्या है ना, मुझे एक बात बताओ, वो लोग ऐसा नहीं सोचते होंगे यार 200 रुपए की कमाई है तो 200 का खर्चा करना, हाँ या ना, अच्छा हम घर चलाते हुए क्या सोचते हैं, नॉर्मल आदमी, मिडिल क्लास आदमी मेरे जैसा क्या सोचता है, कि मैं 200 रुपये कमाता हूँ, 100 रुपये मैं कमाता हूँ, 10 रुपये रेंट, 20 रुपये ये, 30 रुपये ऐसा ऐसा, मैं टोटल खर्चे मैक्सिमम कितने ही कर दूंगा, 100 रुपये, ज्यादा हो गया किसी महीने तो क्या करना पड़ेगा, बोरोइंग, अभी अभी इस महीने को तो कहीं ना कहीं से फंड करना पड़ेगा, बोरोइंग, यस नो,
इन द केस ऑफ गवर्नमेंट जनरली डेफिसिट होता है या सरप्लस? जनरली डेफिसिट होते हैं। क्यों डेफिसिट होते हैं? इन द सेंस कौन सी वाली कैटेगरी में हूं मैं? सेकंड कैटेगरी। जनरली उनके एक्सपेंसेस ज्यादा है, टैक्स कम है। क्यों ऐसा? बिकॉज मेरे केस में इंटेंशन इज प्रॉफिट, उनके में वेलफेयर है। अब ऐसे अगर आप देखेंगे तो उनको मेट्रो चलानी नहीं चाहिए। हाँ या ना? प्रॉफिट मेकिंग है भी है, हो भी गई है। और मतलब मेरे ख्याल से तो फ्यूचर के सारे शॉपिंग मॉल्स इसी के अंदर है। इन माय ओपिनियन इन लॉन्ग टर्म ऑल शॉपिंग मॉल्स, मतलब व्हाट डू यू कॉल, जो मेट्रो के प्लेटफॉर्म्स हैं, मेट्रो स्टेशंस हैं, और जो वैसे नॉर्मल रेलवे स्टेशंस हैं और एयरपोर्ट्स हैं, इनके सिवा घूमने की कोई जगह नहीं है इस देश में मेरे साथ। क्यों? इट डजेंट मेक सेंस ना। अगर आप दिल्ली में कहीं रह रहे हो, इफ मेट्रो कनेक्टिविटी सुपर फॉर यू, देन इंस्टेड ऑफ यू टेकिंग अ कैब और ड्राइविंग योर ओन व्हीकल, 5 किलोमीटर दिल्ली में जाने का पौन घंटा लग जाता है। बेवकूफ सामान कार पे पीपी गूगू चल रही है। इससे अच्छा यू सिंपली गेट टू अ मेट्रो, गो 5-10 स्टेशन हेयर और देयर, आपकी मेट्रो की एक राइड आ रही है 20 रुपए की, यू हैव नॉट ब्रोकन अ स्वेट येट, ठीक है, कोई गर्मी कोई टेंशन नहीं, सेफ्टी इज 100% सेफ सिक्योर सब। आप पहुंच गए शॉपिंग मॉल के अंदर, एंजॉयड योर डे, जस्ट बी बैक, हैसल फ्री है ना वो तो। बट ये तो बहुत ज्यादा एडवांस स्टेजेस में हो गया। वैसे क्या हो रहा है? वैसे तो जब इनिशियली स्टार्ट हुआ तो ऐसा है कि खर्चा 100 रुपए का है और इनकम 80 की है, या फिर उनको भी छोड़ दो। थिंक ऑफ 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 हॉस्पिटल लाइक एम्स। एम्स क्या पैसे कमा रहे हैं? ये दुनिया जहान के लोग आ रहे हैं वहां पे इलाज कराने के लिए, और फ्री में उनको इलाज करके दिया जा रहा है, तो पैसे ले भी रहे हैं तो क्या 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, समथिंग ऐसा। कोई फाइल चार्ज लेते हैं, कोई दवा का पैसा लेते हैं, कुछ ऐसा, मतलब इट्स लाइक लिटरली दे आर नॉट टेकिंग एनी कॉस्ट एट ऑल। सेम ऑपरेशन इन साइड एम्स वुड कॉस्ट प्रोबेबली 500 रुपीज, है ना? चार चीजों का, छोटी छोटी कोई चीजें हैं कि हाँ ये फाइल का है, ये ऐसा है, वो स्टेशनरी टाइप के पैसे ले रहे होते हैं, कई केस में वो भी नहीं ले रहे होते, वो जितने लेते हैं कई बार वो भी नहीं होते लोगों के पास, उसमें भी कोई हेल्प कर देता है, पता है आपको? हाँ, बिल्कुल। हमें ऐसे लगता है यार इतने बड़े ऑपरेशन के 500 रुपये, देर आर पीपल इंडिया जो 500 रुपये नहीं है बेचारों के पास, और वही चीज आप जाके कराओ फोर्टिस में 3 लाख रुपए, है ना? एंड इफ यू कम फ्रॉम एन अकम्प्लिश बैकग्राउंड, आप शायद फोर्टिस में भी 2,000 रुपए ही दे रहे होगे, बिकॉज यू हैव योर मेडिकल इंश्योरेंसेज एंड व्हाट नॉट टू टेक केयर ऑफ, है ना? ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं देर आर टू इंडियाज। सही बात ही है वो, देर आर लिटरली टू इंडियाज। 100 फैमिलीज कंट्रोल 55% ऑफ आवर जीडीपी। 100 फैमिलीज, कैन यू इमेजिन? ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम, इतना ट्रिलियन ये वो 100 फैमिलीज को हटा दो आप, इंडिया का 55% रिमूव हो जा रहा है जीडीपी वाइज। दैट्स द हार्ड कोर फैक्ट। वापस आते हैं अपने डिस्कशन पे। हम जब अपने पर्सनल फाइनेंसेस मैनेज करते हैं तो इंटेंट है सेविंग करना, यहां पे इंटेंट है वेलफेयर, तो देयर इंटेंट इज टू मेक श्योर कि स्पेंडिंग अप्रोप्रिएट है, जितना फंड कर पाएंगे टैक्स से वो कर देंगे, बाकी का लोन लेंगे दिस दैट वो देखा जाएगा क्या करेंगे, बट जितना रिक्वायरमेंट है स्पेंडिंग करने का उसको कर्टेल नहीं किया जा सकता। लोगों को फ्री में कोविड की इंजेक्शन क्यों लगा रहे हो भाई? मतलब मरने में क्या ही जा रहा है? अगर प्रॉफिट कमाना इंटेंशन है तो मत लगाओ ना, लेकिन इंटेंशन क्या है? वेलफेयर, तो वो इंजेक्शन लगानी पड़ेंगी यू एट द एंड ऑफ द डे। यू वेल वेलफेयर समझने के लिए ऑल यू कैन थिंक ऑफ इज दैट आइडियली गवर्नमेंट वुड थिंक ऑफ इट्स सिटीजन्स एज देयर फैमिली मेंबर्स, कि आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। आप कम कमाते हैं, ज्यादा कमाते हैं, कुछ नहीं होता, आपकी देखभाल करना तो रिक्वायरमेंट है। या हमारे घर में कोई भाई या कोई बहन अगर पैसे नहीं कमा रही है, उसको भूखा थोड़ी मार देंगे, विल स्टिल मेक श्योर दैट ही इज टेकन केयर ऑफ। यस नो, एक बार देखिएगा। इन जनरल हमारा बजट डेफिसिट में रहता है। डेफिसिट में रहना इज नॉट कॉन्ट्रैक्शनरी या एक्सपेंशनरी पॉलिसी। बोलना क्या चाह रहे हैं देखिए, अगर आपका एग्जिस्टिंग बजट
अगर आपका एग्जिस्टिंग बजट डेफिसिट में है, अभी डेफिसिट है -100 का, और आप लोगों को और ज्यादा लोगों के ऊपर और ज्यादा स्पेंडिंग करना चाह रहे हैं, मीनिंग आप अपने एक्सपेंसेस बढ़ाएंगे, मतलब आप लोगों के लिए और ज्यादा वेलफेयर स्कीम्स लेके आ रहे हैं, मतलब स्पेंडिंग बढ़ेगी। अगर इस साल का डेफिसिट -100 था, अगले साल का डेफिसिट 150 है, इसका मतलब है कि आपने एक्सपेंशनरी पॉलिसीज की, हाँ या ना? सो इंक्रीज इन व्हाट डू यू कॉल डेफिसिट वुड बी एक्सपेंशनरी, इंक्रीज इन डेफिसिट इज इक्वल टू एक्सपेंशनरी, इंक्रीज इन सरप्लस इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्शनरी। सरप्लस कैसे इंक्रीज होगा? टैक्स बढ़ा दोगे, यस नो? या फिर एक्सपेंशनरी किसको बोलोगे, इंक्रीज इन डेफिसिट या फिर डिक्रीज इन सरप्लस? और कॉन्ट्रैक्शनरी किसको बोलोगे, इंक्रीज इन सरप्लस या फिर डिक्रीज इन डेफिसिट? यस नो? ये आपको समझ आना चाहिए, वो कोरोलरी से ये भी बन जाएगा, ये समझ आना चाहिए कोरोलरी से ये भी बन जाएगा। आर यू विथ मी टिल दिस पॉइंट? अच्छा, वैसे एक तीसरा केस भी हो सकता है, बजट सरप्लस, बजट डेफिसिट, बजट इज बैलेंस्ड, यहां पे क्या होगा? टैक्स और एक्सपेंडिचर बराबर, यस नो? इंक्रीजिंग डेफिसिट मतलब एक्सपेंशनरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडेप्ट करने में क्या इंपैक्ट आएगा? एक्सपेंशनरी पॉलिसी कब हो रही है? जब आपने डेफिसिट इंक्रीज किया है, डेफिसिट इंक्रीज मतलब स्पेंडिंग इंक्रीज की है। यस नो? स्पेंडिंग इंक्रीज करने से क्या इंपैक्ट आएगा? डिमांड गोज अप, ग्रोथ गोज अप, एम्प्लॉयमेंट गोज अप, यस और नो? पॉइंट नंबर फोर देखना, स्ट्रक्चरल बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट इसका क्या मतलब है? टैक्स माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। स्ट्रक्चरल का क्या मीनिंग है? डेफिसिट दैट वुड अकर, व्हेन इकोनॉमी इज एट, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल।
सुनना, इफ इनकम ऑफ पीपल गोज डाउन, टैक्सेस विल गो डाउन. लेट्स से इनकम गोज डाउन मीनिंग लेट्स से कुछ लोगों की जॉब चली गई, ठीक है, पीपल लूज एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा इन लोगों को? अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स. बेरोजगार भत्ता, हाँ या ना? स्पेंडिंग गोज अप, एक्सपेंसेस गोज अप. यस नो, ये दोनों का इंपैक्ट क्या होगा? ये दोनों का इंपैक्ट क्या होगा? टैक्स गोज डाउन, एक्सपेंसेस गोज अप. डेफिसिट इंक्रीजेस. एक सेकेंड रुको, थोड़ा सा चेंज करना था, जस्ट वन सेकेंड. सुनना वैसे, एक सेकेंड, आपने लिखा था डेफिसिट दैट वुड अलाउ, दैट वुड अकर व्हेन द इकोनॉमी इज एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. ये था स्ट्रक्चरल डेफिसिट, स्ट्रक्चरल बजट डेफिसिट. सुनना, इफ रिसेशनरी एनवायरमेंट स्टार्ट्स तो ग्रोथ कम हो जाएगी, और ग्रोथ कम होने का इंपैक्ट क्या होगा? इनकम कम हो जाएगी, टैक्सेस कम हो जाएंगे, हाँ या ना? बहुत इंपॉर्टेंट पीस है आपकी बुक में ना, डायरेक्टली कुछ आगे का लिखा हुआ है, इस वजह से मुझे, अच्छा ठीक है, बुक में भी ये कवरेज की हुई है, बट ठीक है, मैं जिस ऑर्डर में पढ़ा रहा हूँ बेटर है. सुनना, मान लो अगर रिसेशनरी इन्वायरमेंट स्टार्ट हो जाता है, अगर इंडिया में लेट्स से रिसेशनरी इन्वायरमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? द ग्रोथ रेट गोज डाउन, यस नो? ग्रोथ रेट नीचे होने की वजह से क्या होगा? इनकम कम, टैक्सेस कम, डेफिसिट इंक्रीज कर गया. डेफिसिट इंक्रीज करना क्या है? एक्सपेंशनरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, दिस इज एक्सपेंशनरी पॉलिसी. एक बार सिस्टम में पहले एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रैक्शनरी डाल लेते हैं, मुझे थोड़ा सा रिप्लाई लेट मिला, तो आई एम थिंकिंग शायद उसमें कुछ कंफ्यूजन है अभी बात. सुनो, एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब क्या है? एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब क्या है? स्पेंडिंग बढ़ाना. इसको भी छोड़ो, मॉनेटरी पॉलिसी में चलते हैं. मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेंशनरी पॉलिसी का क्या मतलब था? लोगों के हाथ में पैसा बढ़ाना, वो एक्सपेंशनरी था. कॉन्ट्रैक्शनरी क्या था? पैसा खींचना, पैसा बढ़ाने के लिए. पैसा बढ़ा कैसे रहे थे? इंटरेस्ट रेट कम कर रहे थे, पैसा बढ़ जा रहा था, है ना? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या है? यहाँ पे दो ही चीज है, या तो टैक्स है या तो स्पेंडिंग है. एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्या है? आप क्या चाह रहे हो, लोग क्या करें? एक्सपेंशनरी पॉलिसी, आप लोगों के ऊपर स्पेंड ज्यादा कर रहे हो, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा है, सेम चीज वहां से मैच हो रहा है. लोगों के पास ज्यादा पैसा है, उनके हाथ में, मतलब स्पेंडिंग बढ़ा रहे हो, स्पेंडिंग बढ़ा रहे हो, तो लोगों के हाथ में पैसा पहुंच रहा है ना. वन फॉर्म ऑफ स्पेंडिंग कैन बी व्हाट डू कॉल, बेरोजगारी भत्ता, पैसे दे रहे हो लोगों को, ठीक है. एक्सपेंशनरी पॉलिसी और क्या हो सकती है? कह रहे हैं ठीक है, कोविड का टाइम चल रहा है, तुम्हारी हालत खराब है, टैक्स कम दो, मत दो, लेट दो, ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी हो रही है ना, सेम चीज ही है ना. इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही, एक्सपेंशनरी पॉलिसी की सोच रहे हो आप. सुनना,
अगर रिसेशनरी इन्वायरमेंट हो तो ग्रोथ कम हो जाएगी, ग्रोथ कम होगी तो इनकम कम, टैक्सेस कम, डेफिसिट इंक्रीजेस। अच्छा ये तो इनकम के एंगल पे हो गया, अगर इनकम कम हो रही है या रिसेशनरी इन्वायरमेंट है, लोगों की जॉब चली गई, तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ज्यादा देने पड़ेंगे, एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, डेफिसिट इंक्रीजेस। ये एक्सपेंशनरी हुआ या कॉन्ट्रैक्शनरी, ये एक्सपेंशनरी हुआ, ये खुद हो गया कि आपको करना पड़ा, खुद हो गया एक्सपेंशनरी बट ऑटोमेटिक। इसे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। हाँ या ना, इसका वाइस वर्सा वाला केस आपको समझ आ ही गया होगा। ग्रोथ, अगर ग्रोथ हाई रहती करवाऊं क्या वो भी, अगर बूम का एनवायरनमेंट है, ग्रोथ हाई, इनकम हाई, टैक्सेस हाई, डेफिसिट विल फॉल और सरप्लस विल राइज, ये हो गया कॉन्ट्रैक्शनरी बट ऑटोमेटिक। है क्या ये भी ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, अगर ग्रोथ हाई है पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स लोअर डाउन, एक्सपेंसेस लोअर डाउन। यस नो सर, आपका सही है, आपने कॉपी करके ऐसा वैसा कर दिया, मेरा तो सही हो गई, लिख लो इसे पहले, ठीक है। दिस वॉज अबाउट ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स। अब अगला स्टेप देखते हैं, आपकी बुक इसे कहती है डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। बोलना क्या चाह रहे हैं, जब इकोनॉमी में रिसेशन हो तो ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली मतलब जब रिसेशन हो तो गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या होगा, गवर्नमेंट का इंटेंशन होगा एक्सपेंशनरी पॉलिसी का, बट यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटेंशन नहीं है, ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहा है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जा रही है, मतलब एक्सपेंशनरी इफेक्ट ऑटोमेटिकली मिल जा रहा है। और जब बूम का एनवायरमेंट है तो गवर्नमेंट क्या करना चाहेगी, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन की प्राइसेस इधर उधर ही ना भाग जाए, ठीक है, यहां पे करना नहीं पड़ रहा है ऑटोमेटिकली हो जा रहा है। आर यू विथ मी टिल दिस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज ये स्ट्रक्चरल बजट डेफिसिट किया था, अब इसमें पॉइंट नंबर 5 यहां पे लिखो, पॉइंट नंबर 5 लिख लेना और इसका नाम लिखना ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर। हाँ ये पॉइंट नंबर 5 था, अब लिखो पॉइंट नंबर 6 डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। यहां पे क्या हो रहा है, इंटेंशनल एफर्ट है, इंटेंशनल, इंटेंशनल एफर्ट बाय द गवर्नमेंट। टू बूस्ट डिमांड, रिड्यूस डिमांड। हाँ या ना, एक्सपेंशनरी वाले केस में क्या इंटेंशन है, डिमांड को बूस्ट करने की, कॉन्ट्रैक्शनरी वाले में क्या इंटेंशन है, रिड्यूस करने की, कैसे करेंगे डिमांड, कैसे बूस्ट करेंगे, स्पेंडिंग ऊपर करके,
यहाँ पे स्पेंडिंग नीचे करके, यहाँ पे टैक्सेस को कम करके, यहाँ पे टैक्सेस को इंक्रीज करके। हाँ या ना सर? वो तो टैक्सेस तो यहाँ पे खुद ही कम हो गए थे। अरे खुद ही कम हो गए थे, पहले क्या हो रहा था, 10 लाख की इनकम थी, 10 लाख की इनकम से 5 लाख की इनकम हुई, तो 10 लाख पे 30% टैक्स आ रहा था, वो ऑटोमेटिकली 5 लाख पे 30% 1.5 लाख रुपए आ गया। गवर्नमेंट क्या बोल रही है, 30% का रेट घटा दूंगी मैं। आपको समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? यस नो, इंपॉर्टेंट है ये वाला पीस जो मैं बोल रहा हूँ। कोई बोलेगा कि सर यहाँ तो टैक्स ऑटोमेटिकली कम हो गया था, मैं बोल रहा हूँ जब रिसेशन नहीं होगा तब, मान लो 10 लाख रुपए की इनकम थी, 10 लाख पे 30% 3 लाख रुपए का टैक्स बन रहा था, ठीक है जी। रिसेशन हो गया तो इनकम रिड्यूस होके हो गई 7 लाख रुपए, 7 लाख पे 30% टैक्स 2.10 लाख बना, तो ये कितना हो गया, 90 लाख से टैक्स को रिड्यूस किया गया ना, 90 हजार से टैक्स को रिड्यूस किया गया, हाँ या ना? ये क्या हुआ है, तो ऑटोमेटिकली कम हो गया। यहाँ क्या बोल रही है गवर्नमेंट, यहाँ बोल रही है 7 लाख रुपए ना तेरी इनकम, 20% दे दियो, छोड़ 1.4 लाख दे दियो, तो 3 से 2.5, 3 से 2 10, रुको इसको ना 15% लिखते हैं, 3 से 2 10 कैसे आए, 3 से लेके 2 10 पे कैसे आए, ऑटोमेटिकली इनकम रिड्यूस होने की वजह से। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, 30% से कम करके 15% कर रही है। हाँ तो देखना, 3 लाख का टैक्स था ओरिजिनली, कैसे निकाला ये, 10 लाख पे 30%, ये इनकम रिड्यूस हो गई 7 लाख। ये 7 लाख किस वजह से हुआ है, रिसेशन की वजह से, 7 लाख पे 30% ये आ गया 2.10 लाख, ठीक है ना। यह है टैक्स न्यू, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर कितना है, 0.90 लाख, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, ये जो 30% है ना इसको मान लो 10% कर देते हैं, तो टैक्स कितना बना, 0.70 लाख। टैक्स न्यू टू बी पेड आफ्टर रिडक्शन इन टैक्स रेट, ठीक है। ये पोर्शन क्या हुआ, ये हुआ डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी, इसकी वजह से क्या इंपैक्ट आया, 1.40 लाख का, ठीक है। इससे ज्यादा प्रैक्टिकली नहीं बता पाऊंगा, सारे दूसरे केसेस तो बन ही जाएंगे खुद से। अभी डिस्क्रिशनरी वाले में प्रॉब्लम क्या आएगी, कि आप जो टैक्स रेट कम करने के लिए जाओगे ये एक दिन में तो हो नहीं सकता है। देखना एक बार, ये हो गया, ये है डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी, करेक्ट। अब 7th नंबर पे लिख रहा हूं मैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। ये तो डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी है, इसका इम्प्लीमेंटेशन देखना। ये है रिसेशन हुआ, रिसेशन अकर्स, ठीक है। यहां आना चाहिए इंपैक्ट ऑफ डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। रिसेशन होने के बाद आप क्या करोगे, डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी अप्लाई करोगे ना, आपको एंड में उसका इंपैक्ट चाहिए, दिस इज द एंड रिजल्ट, यस नो। इसके बीच में 3 स्टेजेस आ रही हैं, देखना क्या बोल रहे हैं आपकी बुक्स, बोल रहे हैं पहली स्टेज है विच इज कॉल्ड रिकॉग्निशन लैग, देख लो पहले समझ आ जाएगा। रिकॉग्निशन लैग यहां क्या बोल रहे हैं, जब ये रिसेशन आया, ये रिसेशन आया, ठीक है, आपको इतना समय लग गया ये एनालाइज करने में कि
रिसेशन आ चुका है। रिसेशन का क्या मतलब है? डिमांड फ्लोज डाउन, डिमांड कम हो जाती है बहुत ज्यादा, पीपल आर नॉट बाइंग थिंग्स। आज से आज मतलब ऐसा इसका इंपैक्ट सडन तो है नहीं कि कल तक सब ठीक चल रहा था, आज सुबह उठते ही डिमांड जीरो, आज से रिसेशन आया, ऐसा तो होगा नहीं। इट विल टेक सम टाइम टू सेट इन। लोग ग्राउंड लेवल पे खर्चा नहीं करेंगे, धीरे धीरे होलसेलर्स को प्रॉब्लम आएगी, हाँ या ना, धीरे धीरे मैन्युफैक्चरर को प्रॉब्लम आएगी, इन लोगों के टैक्स पीछे जाएंगे नहीं तरीके से। जब गवर्नमेंट जीएसटी इकट्ठा करेगी, तो अभी जो चीख चीख के बोल रही है कि हमारा जीएसटी रिकॉर्ड कलेक्शन पे, तो बाद में नीचे आ जाएगा, फिर उनको समझ आएगा कह रहे कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। फिर इनकम टैक्स पे आप लोग एडवांस का जमा करते हो, है ना, अमीर लोग करते हैं, ठीक है ना, जिनका टीडीएस कटता है उनका वो भी जा रहा है। कुछ टाइम के बाद गवर्नमेंट को एनालाइज होगा कि यार लास्ट ईयर इसी टाइम पे एडवांस टैक्स 100 था, आज 70 है, पक्का कुछ प्रॉब्लम हुई है। ये पक्का कुछ प्रॉब्लम हुई है का क्या मतलब है? दे हैव रिकॉग्नाइज दैट यस देयर इज अ प्रॉब्लम। जब रिकॉग्नाइज कर लिया तो अगला स्टेप क्या होगा? एक्शन लैग, ये अंदर ब्यूरोक्रेट्स वगैरह बैठते होंगे, डिस्कस करते होंगे क्या करना है क्या नहीं करना, इकोनॉमिस्ट आते होंगे सजेस्ट करते होंगे, फिर उसके ऊपर वोट होगा, होगा ना सब कुछ। अभी मान लो इन्होंने बोला कि हाँ जी इंडस्ट्रीज बुरा कर रही है, तो क्या बोलेंगे? ठीक है इंडस्ट्रीज को बेहतर करने के लिए इनका टैक्स माफ कर दो, तो गवर्नमेंट क्या सोचेगी? हम इंडस्ट्रीज का टैक्स माफ करेंगे, उसी समय ऑपोजिशन पार्टी खड़ी हो जाएगी कि ये मिले हुए हैं सारे के सारे, है ना, ये तामझाम झंझट चलेगा कुछ टाइम के लिए। और उसके बाद लास्ट लेग क्या है? वो बोल रहे हैं ये है इम्पैक्ट लेग। ये सब कर भी दिया तो इसका इम्पैक्ट ऐसा थोड़ी है कि कल ही आ जाएगा। अगर आपने इनकम टैक्सेस रिड्यूस कर भी दिए तो ऐसा थोड़ी है कि इसका इम्पैक्ट कल आ जाएगा, ठीक है ना? यस नो। तो ये हो गया रिकॉग्निशन लैग, ये है एक्शन लैग, ये है इम्पैक्ट लैग। जब इम्पैक्ट आ गया दैट फाइनली इज, यहाँ पे आप क्या बोलोगे? यहाँ पे ग्रोथ रेट हाई हो गया, ग्रोथ रेट इम्प्रूव हो गया, हाँ या ना? अब सबका मतलब नहीं लिखवाया मैंने, बट आई एम श्योर आपको समझ आ जाएगा। रिकॉग्निशन लैग में क्या है? एनालाइज मतलब एक्नॉलेज द प्रॉब्लम, लिखवा ही देता हूँ वैसे, एक्नॉलेज द प्रॉब्लम, फाइंड सॉल्यूशन। अब ये इम्पैक्ट लैग में क्या, दवा तो ले ली, लेकिन ऐसा नहीं है ना आज दवा ली है और अभी 5 मिनट बाद दर्द खत्म, ठीक है। अब प्रॉब्लम सुनो क्या है प्रॉब्लम, ये मान लो ये रिसेशन हुआ, मार्केट मूव्स इन साइकिल। प्रॉब्लम क्या है? मार्केट मूव्स इन साइकिल्स। रिसेशन हुआ, रिसेशन का क्या इंपैक्ट है? ग्रोथ रेट गिर गया, ये ग्रोथ रेट गिरा। जब ग्रोथ रेट गिर रहा है तो इसकी वजह से ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का इंपैक्ट आएगा या नहीं आएगा? उसकी वजह से क्या होगा? ग्रोथ रेट बढ़ेगा, है ना। मान लो इसके बाद ग्रोथ रेट बढ़ना शुरू हो गया और अब जाके इसका भी इंपैक्ट आ रहा है, तो इसका इंपैक्ट क्या हो जाएगा? डबल। अब ग्रोथ रेट ज्यादा हो गया कुछ, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? और जैसे ही रिसेशन आया, ग्रोथ रेट डाउन हुआ, तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर तो खुद ही काम करना चालू कर दिए ना, समझ रहे हो आप? लाइट गई, घर में इन्वर्टर ऑटोमेटिकली चालू हो गया, आपको जनरेटर चलाने में 15 मिनट लग रहा है, जब तक जनरेटर चालू हुआ तब तक के लाइट सब कुछ नॉर्मल हो चुकी है, तो उसका कंपाउंड इफेक्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रोथ डबल हो जाएगी। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डिस्क्रिशनरी पॉलिसी अप्लाई करनी पड़ेगी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। दैट्स व्हाई इट्स नॉट एज इजी कि हाँ ये कर लो ना, उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है।
इसीलिए इकोनॉमिक्स में आपको थ्योरीज बहुत दिखती है, किसकी ठीक है किसकी नहीं हो 3 साल बाद पता चलता है। बिल्कुल, तो है ना ये प्रॉब्लम। तो गवर्नमेंट वुड ऑलवेज एनालाइज कि हम ये करते हैं तो इसका इम्पैक्ट 6 महीने बाद यहां तक आएगा, अगर कुछ ना करें तो कहाँ पहुंचने वाला है वो देख लो। इसीलिए तो वो बार बार अपने अपना कोर्स करेक्शन और डिसीजन मेकिंग करते रहते हैं। फिजिकल पॉलिसी में हमने सारा डिस्कशन कर लिया था। एक जो मेजर डिस्कशन रहता है वो है फिजिकल पॉलिसी टूल्स। फिजिकल पॉलिसी टूल्स, आई एम स्टार्टिंग विथ माय डिस्कशन ऑन फिजिकल पॉलिसी टूल्स इन दिस वीडियो। अगर आपके अभी तक के कोई डाउट्स हैं तो मैं पहले एक बार वो टेकअप कर लेता हूँ, और एल्स आई विल कंटिन्यू विथ माय डिस्कशन ऑन फिजिकल पॉलिसी टूल्स। ठीक है, आई एम डिस्कसिंग फिजिकल पॉलिसी टूल्स नाउ। वैसे हमारा मेजरली डिस्कशन हुआ हुआ था एट अ मैक्रो लेवल कि यहाँ पे गवर्नमेंट की इनकम मीनिंग टैक्सेस और गवर्नमेंट के खर्चे मीनिंग एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग, जो बोलना चाहते हैं आप बोल लीजिए, इन दोनों को कंट्रोल करके इकोनॉमिक बैलेंस बनाने की कोशिश करती है गवर्नमेंट। तो आइए यहाँ पे दो टाइप के जो टूल्स हैं वो डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ टूल इज कॉल्ड अ स्पेंडिंग टूल। दिस इज द मेजर ब्रॉड कैटेगरी, एंड देन यू हैव द सेकेंड कैटेगरी कॉल्ड द रेवेन्यू टूल्स। स्पेंडिंग टूल्स में क्या आ जाएगा? यू विल हैव करेंट स्पेंडिंग, यू विल हैव कैपिटल स्पेंडिंग, एंड देन लास्ट में देयर समथिंग कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट्स। पहले इसे डिटेल में डिस्कस कर लेता हूं, फिर चलेंगे रेवेन्यू टूल्स के ऊपर। आइए करेंट स्पेंडिंग डिस्कस करते हैं। कौन करेंट स्पेंडिंग में क्या आ रहा है? एग्जाम्पल, परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस। और ऑनगोइंग पर्पजेस, मतलब कुल मिला के आप यहां पे वो उन चीजों को कैटेगराइज कर दें जिसमें व्हाट यू कॉल, जो आपके डे टू डे के रेगुलर खर्चे हैं वो। थिंक ऑफ दिस मोर लाइक एक्सपेंसेस। सर ये एक्सपेंसेस है तो ये क्या? थिंक ऑफ इट मोर लाइक एसेट्स। अगेन आपको अपने एग्जाम में ये कैटेगराइजेशन नहीं लिखनी है। आई एम जस्ट आस्किंग यू टू क्रिएट अ बायस इन योर माइंड। करेंट स्पेंडिंग में क्या आ रहा है? जो कि ऑनगोइंग पर्पजेस के लिए खर्चे करने पड़ रहे हैं, दैट इज बीइंग कैटेगराइज्ड एज व्हाट यू कॉल करेंट स्पेंडिंग। कैपिटल स्पेंडिंग में क्या आएगा? कैपिटल स्पेंडिंग में जो कि फ्यूचर वाले खर्चे हैं वो, मीनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड पेआउट्स। ठीक है, द लास्ट वन बीइंग ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स कैसा है? थिंक ऑफ इट लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, क्या बोलते हैं उसको, मनरेगा वाली स्कीम को क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पनसेशन। या फिर रिटायरमेंट पे आउट्स, अनएम्प्लॉयमेंट पे आउट्स, रिटायरमेंट पे आउट्स, ठीक है ना? हाँ, अलाउंसेस जो भी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, हाँ बिल्कुल हो सकता है यही नाम हो, ठीक है ना? एग्जाम्पल मनरेगा स्कीम, ठीक है ना? दिस इज मेंट फॉर सोशल सिक्योरिटी पर्पजेस। आप हॉस्पिटल्स में चले जाइए, फ्री फ्री इलाज हो रहा है आपका। या फिर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, बेनिफिट्स बोल सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ठीक है ना? अब देखिएगा, अगर आप जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में ये इंक्लूड होना चाहिए, ये इंक्लूड होना चाहिए, बट दिस शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन जीडीपी, नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। ठीक है ना? जीडीपी क्या था? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, ठीक है ना? तो अगर ये इंडिया की बाउंड्रीज हैं,
इसमें जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए इसकी टोटल वैल्यू इज जीडीपी। सर अगर इंडियन बाउंड्रीज में, अगर इंडियन बाउंड्रीज में किसी फॉरेनर ने गुड्स प्रोड्यूस किए तो क्या ये भी जीडीपी में काउंट होगा? द आंसर इज यस। सर अगर किसी इंडियन ने इंडियन बाउंड्रीज के बाहर, मतलब लेट्स से एन इंडियन वर्किंग इन यूएस, इन इंफोसिस, यूएस इंफोसिस ऑन साइट जॉब कर रहा है, यूएस में रह रहा है, वहां जाके इस इंडियन ने जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए क्या उसे भी जीडीपी में काउंट करेंगे? यस नो। साइड नोट लिख लो एक बार, जीडीपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ, साइड नोट लिखना, ये मतलब मेन डिस्कशन में नहीं आ रहा, साइड में लिख लीजिए, वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, मतलब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज यू कैन से दैट दिस इज टोटल आउटपुट, हाँ या ना? ठीक है ना, एज सच इतना आपके लिए जानना इनफ है, बट अगर थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज भी लेनी हो तो मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि अगर कोई फॉरनर इंडिया में है, फॉरनर इन इंडिया, इसे जीडीपी में काउंट करोगे? द आंसर इज यस, दिस इज इंडियन इन यूएस, इसे जीडीपी में काउंट करेंगे? द आंसर इज वेरी मच नो। ठीक है, दीज आर द टूल्स। अब मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, ये तो था टूल, मुझे बताओ गवर्नमेंट ने अगर अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज की है ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है या कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है? इज दिस एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी? इज दिस एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी? एक्सपेंशनरी के लिए ई लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्शनरी के लिए सी लिखेंगे? दिस इज एक्सपेंशनरी पॉलिसी, करेक्ट। अगर स्पेंडिंग इंक्रीज की है, अगर स्पेंडिंग इंक्रीज की है तो मुझे बताना क्या होगा, गवर्नमेंट का सरप्लस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? गवर्नमेंट का जो बजट है अगर वो सरप्लस में था तो वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? वो डिक्रीज होगा, वेरी गुड। अगर गवर्नमेंट का ओरिजिनली बजट डेफिसिट में था, अगर गवर्नमेंट का ओरिजिनली बजट डेफिसिट में था तो अब अगर पेंडिंग गवर्नमेंट ने और इंक्रीज कर दी तो डेफिसिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। जब भी मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं आप लोग सिंपली इंक्रीज के लिए आई, डिक्रीज के लिए डी, एक्सपेंस एक्सपेंशनरी के लिए ई, मतलब जो भी मैंने ऑप्शंस दिए उसका फर्स्ट वर्ड लिख सकते हैं, पूरा पूरा टाइप ना करें चलेगा। बिल्कुल, स्पेंडिंग इंक्रीज करना इज एन एक्सपेंशनरी पॉलिसी, स्पेंडिंग इंक्रीज करने से सरप्लस इंक्रीज होता है, स्पेंडिंग इंक्रीज करने से डेफिसिट, सॉरी सरप्लस डिक्रीज होता है और डेफिसिट इंक्रीज होता है। बिल्कुल ऑल करेक्ट पॉइंट्स, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट आपकी बुक्स में ना लिखा हुआ है जस्टिफिकेशन फॉर स्पेंडिंग, जस्टिफिकेशन फॉर स्पेंडिंग, ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये जबरदस्ती वर्बोज हो जाएगा, ये होमवर्क है, आप अपने नोट्स में खुद ऐड कर लेंगे बुक से, दैट शुड बी इनफ, अपने बुक्स में खुद से ऐड कर लेना, वहां पे बहुत स्टैंडर्ड सी बातें लिखी हुई हैं कि नेशनल वेलफेयर और दिस दैट के लिए स्पेंडिंग करनी पड़ती है गवर्नमेंट को एंड एवरीथिंग, ऑल दैट इज रिटन इज फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू विल बी एबल टू मैनेज, नथिंग एल्स टू एड इट माई एंड, दिस वॉज अबाउट स्पेंडिंग टूल, दिस इज 8-1। चलो आगे मूव करते हैं, आई एम डिस्कसिंग रेवेन्यू टूल्स नाउ, रेवेन्यू टूल्स, यहाँ पे क्या था, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, टैक्सेशन से, गवर्नमेंट्स की स्पेंडिंग कहाँ से आ रही थी, सॉरी दिस वाज अबाउट टैक्स एंड दिस वाज अबाउट स्पेंडिंग, योर एक्सपेंसेस, ठीक है ना। आइए डिस्कस करते हैं रेवेन्यू टूल्स, दो टाइप के टैक्सेस हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है भाई, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वो टैक्स जो कि आपकी इनकम या वेल्थ पे लगाया जाता है, इनकम या वेल्थ पे लगाया जाता है, इनफैक्ट इनहेरिटेंस भी बोल लीजिए,
ठीक है ना। इनकम टैक्स क्या है, आपने साल में 50 लाख रुपए कमाए, मोदी साहब की सरकार ने कहा कि 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा, यू पे 15 लाख एज द टैक्स, 50 में से 15 गया, 35 लाख इज योर टेक होम, 15 लाख रुपए आपने टैक्स दे दिया। व्हाट इज वेल्थ टैक्स, ये इनकम पे नहीं लगाया जा रहा है, ये आपके जो टोटल एसेट्स हैं उन पे लगाया जा रहा है, गोल्ड, लैंड, बिल्डिंग, ऐसे टाइप की चीजें। पहले बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट था, आज भी कुछ केसेस में लगाया जाता है, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ऑल यू नीड टू नो इज दैट दिस इज अ टैक्स विच वुड बी चार्ज्ड ऑन द टोटल वैल्यू ऑफ योर एसेट्स, ऑफ योर नेट एसेट्स। ठीक है, लिखने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है, कोई खास दिक्कत नहीं है, आपका काम ऐसे भी चल जाएगा। इनहेरिटेंस टैक्स क्या है, दिस इज प्रिवेलेंट इन यूएस, ये इस वजह से इस बात के लिए इस बात को मेंशन करते हैं। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, गवर्नमेंट इंटरनली हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर इनहेरिटेंस टैक्स इन इंडिया एज वेल फॉर क्वाइट सम टाइम्स। ठीक है, लॉ क्या बोलता है कि इफ अ फादर पासेस ऑन हिज प्रॉपर्टी टू हिज नेक्स्ट जनरेशन, सन ऑब्लिक डॉटर, अभी के लिए क्या होता है, दिस इज नॉट टैक्स्ड, इसमें कोई टैक्सेशन नहीं है। इफ अ फादर राइट्स अ विल ऑन हिज सन्स नेम, ऑन हिज डॉटर्स नेम, सन या डॉटर को कोई भी एसेट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। लॉन्ग टर्म में दिस इज गोइंग टू चेंज इवन इन इंडिया व्हेन इनहेरेंस टैक्स इज देयर। क्या बोलना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट बोलती है यार ये सन या डॉटर का तो फ्री फंड में फायदा है, मान लो बाप ने पूरी की पूरी जिंदगी मेहनत करके 100 करोड़ रुपए कमाए, इनके हाथ में 100 करोड़ रुपए दे दिए, तो इन्हें तो कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही है, एटलीस्ट इनसे टैक्स तो चार्ज कर ही सकते हैं हम, 5%, 3%, दिस दैट व्हाटएवर। क्यों बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं कि अगर ये बंदा अपने बच्चों को 100 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं देता, ये 100 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल कर देता, ठीक है, और किसी आउटसाइडर को दे देता, तो उससे इसके ऊपर जब कैश मिलता तो 100 करोड़ नहीं मिलते, इसके ऊपर टैक्स कट के मिलता, और ये जो टैक्स कट के अमाउंट होता है ये पूरी की पूरी फैमिली के पास पास ऑन होता, बट बिकॉज ये लोग प्रॉपर्टी को बेच ही नहीं रहे तो ये लोग टैक्स सेव कर ले रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में इनहेरिटेंस टैक्स इज ऑल्सो समथिंग विच वुड बी इन द प्ले। ठीक है जी, इनकम टैक्स में कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सारी की सारी चीजें आ गई। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, रेंटल मतलब आपकी हाउस प्रॉपर्टी रेंट के ऊपर टैक्स, आपकी बिजनेस के ऊपर टैक्स, आपको सैलरी के ऊपर टैक्स, ये सारे के सारे कवर हो गए आपके इनकम टैक्स में। ठीक है, उसके बाद वेल्थ टैक्स आ गया, इनहेरिटेंस टैक्स आ गया, दीज आर डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है भाई, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि गुड्स और सर्विसेज पे लगाया जाता है। जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप एक तरीके से बोल लीजिए जीएसटी, व्हाट एल्स, सेल्स टैक्स होता था पहले, वैट होता है, बिल्कुल, सेल्स टैक्स, वैट, वीएटी, एक्साइज, बिल्कुल ठीक है, ये सारे के सारे आप लोगों ने जो एग्जांपल दिए बिल्कुल करेक्ट है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये सारा कुछ अब मर्ज हो चुका है जीएसटी के अंडर, तो अब सेपरेटली नहीं होता कुछ भी। ठीक है, वहां वो कुछ स्पेसिफिक आइटम्स हैं लाइक पेट्रोल और व्हाट डू यू कॉल, पेट्रोल पे वीएटी आज भी लगाना अलाउड है कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स को, कुछ स्पेसिफिक केसेस में एक्साइज के प्रोविजंस आज भी एक्टिव हैं, बट मोर और लेस व्हाट डू यू कॉल, जीएसटी हैज नेगेटेड एवरीथिंग एल्स एंड जीएसटी इज दी ओनली थिंग दैट इज एप्लीकेबल इन इंडिया। बट ओवरऑल अगर मैं व्हाट डू यू कॉल वर्ल्ड ओवर की बात करूं तो ऐसा नहीं है, बहुत जगहों पे सेल्स टैक्स, वीएटी, अलग अलग चीजें हैं जो अप्लाई करती हैं। एक कैंडिडेट ने लिखा है विथ होल्डिंग टैक्स, विथ होल्डिंग टैक्स कुछ नहीं होता दोस्त, विथ होल्डिंग टैक्स तो टैक्स ही नहीं होता, विथ होल्डिंग टैक्स इज नो टैक्स एट ऑल। ठीक है चलो, एक जो लिखा है कैंडिडेट ने उसकी बात कर लेते हैं। विथ होल्डिंग टैक्स,
ये एक कैंडिडेट ने लिखा है, इसका मतलब ये यूएस में इसका ये वाला नाम है, इंडियन मार्केट में इसका नाम हो जाता है टीडीएस। ये एक्चुअली अगर आप देखोगे ना तो दिस इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, बट अपने आप में विथ होल्डिंग टैक्स इज नॉट अ टैक्स, इट्स अ वे ऑफ कलेक्टिंग टैक्स। ऐसा है, मान लो आपका 10 लाख रुपए का पैकेज लगा किसी कंपनी में, ठीक है जी, आपका 10 लाख रुपए का पैकेज लगा, तो होना क्या है, ये 10 लाख रुपीज, लेट्स से आपको EY, ये एम्प्लॉयर है और आप एम्प्लॉई हो, यहाँ पे लिख देता हूं कैंडिडेट, तो कैंडिडेट को क्या होना है, कैंडिडेट को मिलने हैं 10 लाख रुपए EY से, ठीक है। व्हाट विल What will this candidate do? ये 10 लाख रुपए कमाएगा और साल के एंड में, मान लेते हैं अभी 30% टैक्स है, साल के एंड में अभी ये 10 लाख रुपए EY देगा कैंडिडेट को, कैसे देगा, ये इसके बैंक में ट्रांसफर कर देगा, ये कैंडिडेट का बैंक अकाउंट है, ठीक है, ये कैंडिडेट के बैंक अकाउंट में EY जो है वो 10 लाख रुपीज ट्रांसफर कर देगा पूरे के पूरे साल में। Received from EY 10 लाख रुपीज, ये अभी तक के होता है, दिस इज रूट नंबर वन, दिस इज रूट वन, ठीक है। साल के एंड में क्या होता है, ये कैंडिडेट है ना मिस्टर सी लिख लेता हूं उसको, मिस्टर सी का बैंक अकाउंट है, ये ईयर एंड पे क्या होगा ये देखना, ईयर एंड, ये जो 10 लाख रुपए मिले थे ना इसमें से 3 लाख रुपए टैक्स दे देगा, ये यहाँ लिखेंगे पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, जस्ट वन सेक, जस्ट वन सेक, साल के एंड में पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट 3 लाख, बच गए 7 लाख अपने अकाउंट में। दिस वॉज फर्स्ट मेथड, इसमें होता क्या था, कई बार अगर इस बंदे की इनकम कम होती थी तो वो बोलता था छोड़ो यार कहाँ देना है टैक्स वैक्स गवर्नमेंट को, उनको कौन सा पता है कि मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, या पता भी है तो कौन सा वो मेरे पीछे आ जाएंगे, ठीक है सारे पैसे बैंक अकाउंट में आ रहे हैं तो गवर्नमेंट को पता तो चल जाएगा सब कुछ लिंक्ड है, लेकिन फिर भी एक थिंकिंग क्या रहती थी सुनना, थिंकिंग ये रहती थी और जो कि सही भी है, कि मान लो इसमें अगर टैक्स नहीं पे किया हमने, लेट से ये इनकम 6 लाख रुपए की है, अब इस पे लेट से अगर आप एक्चुअल इंडियन कंडीशंस में देखोगे ना तो इस पे अराउंड 30-35 हज़ार का टैक्स बनेगा, शायद उतना भी नहीं अगर स्मार्टली करोगे तो, अभी नहीं 15 से 20 हज़ार रुपए का टैक्स बनेगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। अब बंदा सोचेगा यार मेरे पास कौन सा ही 15-20 हज़ार रुपए के लिए इनकम टैक्स गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट जो है वो इनकम टैक्स का नोटिस भेज देगी, गवर्नमेंट के खुद के खर्चे होते हैं ना इनकम टैक्स के नोटिस भेजने पे, उनको स्क्रूटनी नहीं करनी पड़ती है, एक ऑफिसर बैठ के उसको स्टडी करता है, फिर वो आपको चिट्ठी भेजता है, फिर आप उसका रिप्लाई करते हो, और कहीं रिप्लाई में ये निकला है कि आपको कुछ टैक्स देना ही नहीं है, तो गवर्नमेंट को मजा नहीं आता है, गवर्नमेंट के लिए इनकम टैक्स की स्क्रूटनी करना इज एन एक्सपेंस, उनको ये पसंद है कि हम अगर कोई केस उठाएं तो उसमें से कुछ निकले जरूर, सो दैट अगर हमारी कॉस्ट आ रही है 20 हज़ार रुपए की तो हम इनकम कर लें 1 लाख रुपए की और नेट नेट में हम गवर्नमेंट को कमा के दें 80 हज़ार रुपए, ठीक है। सो दिस वॉज द जनरल रूट, लेकिन उसमें प्रॉब्लम थी, ये गवर्नमेंट ने बोला रूट नंबर टू, गवर्नमेंट ने EY को बोला कि भाई सुनो जब भी तुमने पैसे देने होते हैं ना मिस्टर सी को, तुम एक काम किया करो, मिस्टर सी के दो अकाउंट हैं, एक है बैंक अकाउंट, दूसरा है टैक्स अकाउंट, ठीक है, तुम क्या किया करो जब तुम्हें 10 लाख रुपए देने हैं तो तुम 7 लाख यहां डाल दिया करो, 3 लाख यहां डाल दिया करो, मतलब जब पैसा दे रहे हो तभी काट के देना है, तभी इम्प्लॉय को पैसे काट के देने हैं, ठीक है, ये 3 लाख रुपए वो कटा हुआ अमाउंट है, इसे कहते हैं TDS, तो जो सोर्स है, सोर्स क्या है EY, तो EY ने सोर्स पे ही पैसे काट लिए, या फिर विथ होल्डिंग टैक्स, मतलब क्या कि EY ने 3 लाख रुपए मिस्टर सी के विथ होल्ड कर लिए, अब साल के एंड में मिस्टर सी अपनी रिटर्न फाइल करेगा, रिटर्न ऑफ इनकम ये फाइल करेगा, रिटर्न ऑफ इनकम देखना कैसे फाइल करेगा, वो बोलेगा कि मेरी इनकम है 10 लाख रुपए, इस पे मेरा टैक्स बनता है 3 लाख रुपए का,
लेस ऑलरेडी डिडक्टेड 3 लाख रुपए। अब देने का क्या बचा? टैक्स टू बी पेड, टैक्स टू बी पेड इज इक्वल टू निल। ठीक है जी सर, अगर यहां पे टीडीएस 3 लाख के बदले, 3 लाख के बदले अगर टीडीएक्स 1 लाख का कटा होता तो कुछ नहीं, इन दैट केस इट वुड हैव बीन 3 लाख लेस 1 लाख, 2 लाख रुपए पे कर दो। अब हुआ क्या कि गवर्नमेंट को पहले ही पता चल गया कि हाँ इस बंदे से टैक्स लेना है, और ये बंदा अपनी रिटर्न फाइल करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसका टैक्स पहले ही कट गया, तो वो रिटर्न क्यों ना फाइल करेगा। तो विथ होल्डिंग टैक्स कुछ नहीं होता दोस्त, विथ होल्डिंग टैक्स इज अ सेपरेट कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ। विथ होल्डिंग टैक्स हैज मोर टू डू विथ टैक्सेशन का, मतलब टैक्स कलेक्शन का मैकेनिज्म, रादर देन इट बीइंग अ टैक्स। विथ होल्डिंग टैक्स प्रैक्टिकली सिर्फ और सिर्फ ये कर रहा है कि डायरेक्ट टैक्स को एफिशिएंटली कलेक्ट करवा रहा है। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताना, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में से ज्यादा एफिशिएंट कौन सा है? इन दोनों में से ज्यादा एफिशिएंट कौन सा है? गवर्नमेंट फाइंड्स दिस टू बी मोर एफिशिएंट। ऐसा क्यों? मुझे एक बात बताओ, ये गुड्स और सर्विसेज पे लगाया जाता है? हाँ जी सर बिल्कुल। यहां पे क्या बोल रहे हैं डायरेक्ट टैक्स में, क्या बोल रहे हैं? द वन हु इज हैविंग हायर इनकम, हाई इनकम वाला क्या देगा? ज्यादा टैक्स देगा, कम टैक्स देगा? इल पे हायर टैक्सेस, ठीक है ना? और यहां पे कंपेयर करो, हायर इनकम हो चाहे लोअर इनकम हो, गुड्स की जो प्राइस दोगे आप वो सेम रहेगी दोनों केसेस में, ठीक है ना? अब मान लीजिए कि ये गेहूं का, चावल का एक पैकेट है 40 रुपए का, 50 रुपए का। समवन हु इज अ मल्टी मिलियनेयर विल ऑल्सो बी सेइंग द सेम प्राइस, एंड समवन हु इज जस्ट मैनेजिंग हिज एक्सपेंसेस, हु इज इन अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, ही विल ऑल्सो पे द सेम प्राइसेस। ठीक है, कोई फर्क आने ही नहीं वाला है। ठीक है जी, आइए 3.8.2 रेवेन्यू टूल्स की बात कर रहे थे ना, इसमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं हम। 8.3 एडवांटेजेस ऑब्लिक डिसएडवांटेजेस ऑफ रेवेन्यू टूल्स ऑफ, इनफैक्ट पूरे के पूरे ऑफ फिस्कल पॉलिसी डिस्कस कर लेते हैं। फिस्कल पॉलिसी टूल्स, देखना एक बार, बात करते हैं हम। जस्ट अ सेक, अगर आपको ध्यान हो तो हम मॉनेटरी पॉलिसी में बात करके आए थे क्या, कि उसका इंप्लीमेंटेशन बहुत फास्ट हो सकता है। यहां पे क्या प्रॉब्लम है? इंप्लीमेंटेशन, इज स्लो। किसकी बात कर रहा हूं? थिंक ऑफ टैक्स, थिंक ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स। ठीक है, कैसे इंप्लीमेंटेशन स्लो है देखना। ये हमने बात किया था ना, पहले रिकॉग्निशन लैग, फिर एक्शन लैग, फिर इंपैक्ट लैग। इस वजह से इट टेक्स टाइम टू इंप्लीमेंट दिस। बोलना क्या चाह रहा हूं, मान लो अगर गवर्नमेंट ये चाहती भी है कि वो व्हाट यू कॉल कि वो लोगों के बैंक अकाउंट में सब 1500-1500 रुपए या 1000-1000 रुपए डाले, तो भी इट्स नॉट इजी टू डू दिस। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि डायरेक्ट टैक्स कम करने की बात आती भी है, तो भी इट विल बी वेरी, मतलब इट विल बी अ टाइम टेकिंग प्रोसेस टू लोअर डाउन द डायरेक्ट टैक्स रेट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है ना? तो डिसएडवांटेजेस में क्या रहा है? इंप्लीमेंटेशन इज स्लो। ये किसके लिए बोल रहे हैं? डायरेक्ट टैक्स और ट्रांसफर पेमेंट के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखना।
हाँ ओके, कैपिटल स्पेंडिंग के केस में देखो इंप्लीमेंटेशन इज स्लो, ये सेम चीज अप्लाई हो जाएगी कैपिटल स्पेंडिंग के लिए भी, ये तीनों के लिए अप्लाई हो जाएगी, दैट द इंप्लीमेंटेशन इज स्लो। अगर गवर्नमेंट ये डिसाइड कर भी ले कि लेट्स से हाईवेज कंस्ट्रक्ट करने, हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्ट करने, तो इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस, ठीक है ना। दिस वॉज अबाउट द डिसएडवांटेजेस, आइए अब एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। फास्ट इंप्लीमेंटेशन इन केस ऑफ, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है जी। हाँ, इसके आगे आपकी बुक्स कह रही है कि अब थिंक ऑफ केसेस लाइक टोबैको, सिन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। सिन प्रोडक्ट्स, आपके बुक्स में ये वर्ड यूज नहीं किया जाता, मैं यूज कर ले रहा हूं ये वर्ड, सिन प्रोडक्ट्स। इसमें क्या क्या आ गया? एल्कोहल, सिगरेट्स, ठीक है ना, ऐसे वाले प्रोडक्ट्स। गवर्नमेंट यहां क्या बोल रही है आपके नोट्स, दे से दैट सोशल पॉलिसी के लिए, मतलब सोशल पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में सपोर्ट करते हैं। कैसे? आप देख लीजिए हर बार के बजट में व्हाट डू यू कॉल, एल्कोहल के ऊपर या सिगरेट्स के ऊपर टैक्स बढ़ाते ही जाती है गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट सिंपली इंक्रीजेस द रेट ऑफ टैक्सेस ऑन सिगरेट्स, हर साल महंगे होते हैं ये, क्यों? गवर्नमेंट को पता है दैट दीज आर द प्रोडक्ट्स ए विच आर विच शुड बी, जिनका कंजम्पशन शुड बी प्रोहिबिटेड। दूसरा, गवर्नमेंट ऑल्सो अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट होना जाना कुछ है नहीं, द पीपल, मतलब देर इज अबिट बेस्ड थिंग ना, इट्स एन ऑल टूगेदर डिफरेंट मैटर दैट इट्स अ बैड हैबिट बेस्ड प्रोडक्ट, बट एट द एंड ऑफ द डे हैबिट बेस्ड प्रोडक्ट तो है ही है। यू कांट रियली डिस्करेज समवन फ्रॉम कंज्यूमिंग एल्कोहल जस्ट बाय, मीन इन कॉन्ट्रेरी टर्म्स, आप गवर्नमेंट दो चीजें कर रही है, पहले बोल रही है यार चीज गलत है इसके ऊपर टैक्स लगा दे सो दैट लोग नहीं पिए, साथ में गवर्नमेंट ये भी समझ रही है कि भाई हमारे टैक्स लगाने से कौन सा कम पिएंगे, ठीक है, एटलीस्ट इफ दे आर, इफ पीपल आर स्टिल कंज्यूमिंग एटलीस्ट लेट मी अर्न माई टैक्सेस, ठीक है ना, बिकॉज समवन हु इज कंज्यूमिंग इवन आफ्टर पेइंग अ लॉट ऑफ टैक्सेस कैन अफोर्ड इट, तो क्यों ना चार्ज करना है, गलत काम कर रहा है इसके लिए टैक्स चार्ज कर दो। इनफैक्ट इससे रिलेटेड नहीं है बट सुनना, एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बहुत टाइम से चल रहा है इंडियन कंडीशंस में, शायद मॉरल रीजंस की वजह से कर नहीं पाई अभी तक की गवर्नमेंट, और थोड़ा बहुत एक तरीके से देखेंगे तो इनडायरेक्टली अब करने भी लग गई है। देयर वॉज अ केस ऑफ वेदर बेटिंग शुड बी मेड लीगल और नॉट, बेटिंग शुड बी मेड लीगल और नॉट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक डिस्कशन था जो बहुत टाइम से चलता था, क्यों लीगल कर देनी चाहिए, बिकॉज इलीगली तो वैसे भी चल ही रही है, आईपीएल हुआ, वर्ल्ड कप हुआ, क्या लोग बेटिंग नहीं करते? यस करते, लेकिन क्या होता है ये ऑफिशियल मार्केट में नहीं होके ग्रे मार्केट में होती है, तो कोई भी इसके ऊपर टैक्सेस नहीं लगते। दिस वॉज दी आर्ग्यूमेंट इन फेवर, पीपल यूज टू से कि भाई कम से कम तुम इस पर टैक्स लगा दो, इसको लीगल एम्बिट में ले आओ सो दैट लोग इस पे बेटिंग वगैरह करें और आपको टैक्स भी दें, अगर लोग पैसे कमा रहे हैं तो टैक्स भी दे देना, इसमें तकलीफ क्या है? इनकम टैक्स में प्रोविजन है, इनकम टैक्स बताता है कि अगर बेटिंग करते हो तो उसको टैक्स कैसे करना है वो बताता है, लेकिन इंडियन पीनल कोड कहता था कि बेटिंग गलत है, स्पोर्ट्स वगैरह पे आपने बेटिंग की तो दिस इज इलीगल, और इसके वजह से कोई भी ये इनकम शो ही नहीं करता था। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं मिलता। नेक्स्ट पीस, इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट क्या बनते थे? देयर वाज अ स्कूल ऑफ थॉट विच सेड भाई तुम अगर ऐसे टैक्सेशन लगाने लग जाओगे और चीजों को, मतलब लेट्स से इफ यू मेक इमोरल थिंग्स मॉरल एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, इट इज नॉट गुड फॉर द, आई मीन सोशल वेलफेयर ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो कि इलीगल हैं या फिर जो कि मॉरली इनकरेक्ट है, बट गवर्नमेंट अगर उसको लीगल कर दे तो उससे पैसे कमा सकती है, बेटिंग बीइंग वन ऑफ देयर, वन ऑफ दोज। मुझे और दो तीन एग्जांपल्स याद आते हैं बट आई मीन आई विल होल्ड दैट टू माई सेल्फ एज ऑफ नाउ, नॉट इन द एकेडमिक सर्किट, तो आई विल जस्ट होल्ड दोज ऑफ।
दिस वॉज अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसके अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, दैट इज फिस्कल मल्टीप्लायर। ठीक है, फिस्कल मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूं मैं। आपकी बुक्स में ना ऑर्डर एकदम ठीक लिखा हुआ है इनका, लेकिन मेरे ख्याल से दोनों को ज्वाइन बहुत अच्छे से नहीं किया, मतलब दे हैव नॉट कंबाइंड फिस्कल पॉलिसी एंड फिस्कल मल्टीप्लायर वेरी वेल। तो आई ट्राई टू डू दैट। फॉर मी इट वुड बी पॉइंट नंबर 9। ठीक है, फिस्कल मल्टीप्लायर। सुनना, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं फिस्कल मल्टीप्लायर का, बट पूरा का पूरा जो मेरा डिस्कशन है वो स्पेंडिंग टूल्स और रेवेन्यू टूल्स के अराउंड ही आ रहा है। देखिएगा, फिस्कल पॉलिसी टूल्स, का इंटेंशन क्या है, टारगेट क्या है? एग्रीगेट डिमांड को इफेक्ट करना, अफेक्ट एग्रीगेट डिमांड, ठीक है ना? और इसके अंदर क्या क्या टूल्स आ रहे हैं आपके पास? एक है स्पेंडिंग टूल्स, एक है रेवेन्यू टूल्स। ये दोनों का जो इंपैक्ट है ना, ये डिफरेंट है। इंपैक्ट है कि स्पेंडिंग टूल्स आर मोर इफेक्टिव, बट जो टैक्सेशन के टूल्स हैं वो है लेस इफेक्टिव। रीजन क्या है? दिस द रीजन इज एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या मीनिंग है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का? देखिएगा, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू वन यूनिट चेंज इन इनकम। देखना एक बार, क्या मीनिंग हुआ इसका? अगर आपकी $100 से इनकम बढ़ती है तो आप कितना खर्चा इंक्रीज करोगे? $40 अगर आप खर्चा इंक्रीज करोगे तो योर एमपीसी इज 40%। मुझे बताना, एमपीसी एक हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, एक HNI के लिए वर्सेस एक लो ऑब्लिक मिडिल इनकम ग्रुप। अगर मैं ये दोनों का एमपीसी कंपेयर करूं तो किसका एमपीसी हाई आएगा, किसका एमपीसी लो आएगा? हाई ऑब्लिक लो, हाई ऑब्लिक लो। HNI का बताओ, एमपीसी हाई होगा या लो होगा? अगर इसकी इनकम इंक्रीज हो जाए तो इसका कंजम्पशन ज्यादा बढ़ेगा या कम बढ़ेगा? मतलब ये दोनों को कंपेयर करने के लिए कह रहा हूं मैं एक्चुअली। किसका एमपीसी हाई होगा, किसका एमपीसी लो होगा? HNI में हाई लिखूं या लो लिखूं, या लो मिल इंडियम लो ऑब्लिक मिडिल इनकम ग्रुप में हाई लिखूं या लो लिखूं? बोलना क्या चाह रहा हूं समझ आ रहा है आपको? अगर आपकी इनकम $100 बढ़ती है तो आप खर्चा भी एक्स्ट्रा करने लग जाओगे। ये किसकी फितरत है, HNI की या लो मिडिल ग्रुप की? HNI में एमपीसी जो है वो लो रहेगा और लो मिडिल इनकम ग्रुप में एमपीसी जो है वो हाई रहेगा। क्यों? बिकॉज जस्ट थिंक ऑफ इट वंस, एक HNI की अगर मैं बात करूं, इसकी एनुअल इनकम 5 करोड़ रुपए। इसकी बात करूं, इसकी एनुअल इनकम 5 लाख रुपए। इसकी इनकम 30% इंक्रीज हो जाती है, 6.5 CR पहुंच जाती है। इसके खर्चे थोड़ी ना बढ़ जाएंगे। ये तो एनी विच वेज जो 5 करोड़ रुपए कमा रहा था, इसका एनी विच वेज 50 लाख रुपए का एक्सपेंस था और 4.5 लाख की सेविंग थी, सॉरी 4.5 करोड़ की सेविंग थी। यहां पहुंच जाएगा तो क्या होगा?
ये 50 से जो चेंज होगा, लेट से 55-60 लाख रुपए का हो जाएगा, और क्या, बाकी बैलेंसिंग फिगर सारी की सारी सेविंग रह जाएगी। लेकिन जिसकी एनुअल इनकम 5 लाख रुपए थी, ये बेचारा पूरे के पूरे 5 लाख रुपए एक्सपेंस कर दे रहा था, ठीक है, और जैसे तैसे उधार लेके मम्मी पापा से काम चला रहा था। जब ये 6 लाख रुपए कमाएगा तो ये क्या करेगा, ये पूरे के पूरे 6 लाख रुपए खर्च कर देगा, बोलेगा चलो अब मम्मी से लोन नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन, इसका कितना आ रहा है, इसका आ रहा है जब इसकी 1 लाख से इनकम चेंज हुई तो इसका 1 लाख से कंजम्पशन भी चेंज हो गया, तो इसका एमपीसी 100% आ रहा है और इसका एमपीसी ऑलमोस्ट 0% आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका एमपीसी लो रहेगा और इसका एमपीसी हाई रहेगा, ठीक है जी। अब समझना, मैं इंपैक्ट्स दिखा रहा हूं आपको टोटल, इट्स लाइक दिस। मान लो गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग की $100 की, लेट से गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज $100। गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग की मतलब क्या किया, लोगों के हाथ में पैसा दिया एक तरीके से, हाँ या ना। गवर्नमेंट कैसे स्पेंडिंग करेगा, गवर्नमेंट ने सैलरीज इंक्रीज कर दी, ठीक है, अगली पे कमीशन लेके आ गए, सैलरी इंक्रीज कर दी, और क्या किया, जो हॉस्पिटल रिलेटेड एक्सपेंसेस रहते थे, हॉस्पिटल में जो बेनिफिट्स दिस दैट ये जो दिए जाते थे, ये इंक्रीज कर दिए, एम्स खोल लिया, और दो तीन एम्स खोलना विल बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट करंट एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा, अंदर में लोगों को दवाइयां देना एंड एवरीथिंग, कुल मिला के गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग इंक्रीज कर दी। इसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड विल राइज और फॉल, इट विल राइज और फॉल, राइज के लिए आर, फॉल के लिए एफ, कुल मिला के अगर ये इकोनॉमी है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग से पैसा अंदर आया या पैसा बाहर गया, पैसा अंदर आया, ठीक है ना। गवर्नमेंट स्पेंडिंग से एग्रीगेट डिमांड हो गई इंक्रीज, यस नो। अच्छा एक बात सोच के देखो, मान लो पूरी की पूरी इकोनॉमी में से इकोनॉमी हैज जस्ट 5 पीपल, सिर्फ 5 लोग हैं, लेट्स से ए बी सी डी और ई, गवर्नमेंट ने जब स्पेंडिंग की, गवर्नमेंट ने जब स्पेंडिंग की, मान लो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है जी मैं हॉस्पिटल बनवाऊंगी, तो उन्होंने, मान लो ए जो है वो बिल्डर है, तो इसने $100 दे दिए होंगे गवर्नमेंट को, सॉरी गवर्नमेंट ने $100 दे दिए होंगे बिल्डर को, हाँ या ना, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। क्या बिल्डर की इनकम इंक्रीजेस बाय $100, यस नो। ये है स्टेप 1। स्टेप 2, गवर्नमेंट पेज $100 टू बिल्डर फॉर हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन। अब मुझे एक बात बताना, बिल्डर क्या करेगा, बल्कि बिल्डर का नाम रखना था बी, ठीक है, टू बिल्डर मिस्टर बी फॉर हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन, बिल्डर मतलब मिस्टर बी, ये क्या करेगा, इसकी इनकम इंक्रीज हुई है कितने से, $100। अच्छा ये बात बताओ, इसमें से टैक्स देना पड़ेगा, इसमें से टैक्स देना पड़ेगा या सारा जेब में जाएगा, टैक्स देना पड़ेगा या जेब में जाएगा, नहीं सर टैक्स भी देना पड़ेगा, इनकम इंक्रीज हुई है तो टैक्स भी इंक्रीज होगा, से टैक्स रेट इज इक्वल टू 30%,
टैक्स रेट इज इक्वल टू 30%। जस्ट गिव मी अ सेकंड। से टैक्स रेट इज इक्वल टू 25%। टैक्स रेट को 25% बोल लो। से टैक्स रेट इज 25%। टैक्स कितना देना पड़ गया? $25 नेट इंक्रीज इन इनकम इज इक्वल टू $75। ठीक है, एक ये इनपुट दिया था मैंने आपको कि टैक्स रेट इज 25%। एक इनपुट ये दे रहा हूं मैं, देखना। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज लेट से 80%। इसका क्या मतलब है? अगर सैलरी $100 बढ़ेगी तो, अगर सैलरी $100 बढ़ेगी तो खर्चा कितना बढ़ेगा? एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 80% ऑफ $75। कितना? 80% ऑफ 75 कितना हो गया? 60। 80% ऑफ 75, 4/5, 15, 4, 60। करेक्ट। एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए $60 से, हाँ या ना? आर यू विथ मी टिल दिस पॉइंट? एक्सपेंसेस बोल लो या कंजम्पशन बोल लो, ये $60 तक अगर समझ आ गया हो तो लिखो ओके, चैट बॉक्स में लिखो ओके। एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय $60 मतलब यही पांच लोग हैं इकोनॉमी में, यही पांच लोग हैं। ये बताइए, बताओ ये क्या करेगा बंदा? ये बंदा क्या करेगा? ये $60 दे देगा किसी को? मान लो इसने $60 दे दिए मिस्टर ए को। अब मिस्टर ए के एंड पे क्या होगा बताना? हुआ क्या था, गवर्नमेंट ने $100 दिए थे इसको, उसने $60 दे दिए मिस्टर ए को। अब मिस्टर ए के लिए क्या होगा बताना? मिस्टर ए को मिले $60, यह है इनकम इंक्रीज। इसका टैक्स कितने से इंक्रीज हो जाएगा? 25%। तो $15 से टैक्स इंक्रीज हो गया, हाथ में कितने आए? $45। सही कह रहा हूं ना मैं? एमपीसी कितने का है? 80%। तो कंजम्पशन कितने से इंक्रीज हुई है? 45 का 80% बताना कितना आता है? 36। 36 आता है क्या? अब क्या होगा बताना? मिस्टर ए का खर्चा बढ़ा ₹36 से, तो मिस्टर ए ने ₹36 दे दिए मान लो मिस्टर सी को। सर कर क्या रहे हो आप? देखना कुल मिला के क्या कर रहा हूं। गवर्नमेंट अगर $100 देती है मिस्टर ए को, मिस्टर बी को, तो ये कितने देता है? इसका 60%। इसका 60% देता है आगे, 60% होता है 60। तो 60% ऑफ 100, ₹60 दे देता है ये ए को। ए जो है ये 60% ऑफ 60 ये दे देता है मिस्टर बी को, सॉरी मिस्टर सी को। मिस्टर सी आगे कितने देगा बताना? 60% ऑफ 36, यस नो? यस नो? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अब समझो क्या बोलना चाह रहा हूं, ये तो चेन चलती रहेगी ना आगे और आगे चल चल के। कुल मिला के ये है कि ये सारी की सारी है इकोनॉमी, मतलब अगर गवर्नमेंट इकोनॉमी में $100 डालती है तो उसका इंपैक्ट गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग $100, इसका इंपैक्ट क्या आता है? $100 या मोर? क्या आएगा बताओ? सेम आएगा $100 या मोर? सेम के लिए एस लिखो, मोर के लिए एम लिखो। मोर, और कितना आएगा बताना? ये आएगा 100 प्लस 60 प्लस 36 प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ, हाँ या ना?
ये सब का समेशन क्या होगा, ये सब का समेशन क्या होगा? दिस इज द जीपी, दिस इज सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, यस नो? और सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता था? फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म क्या है यहां पे 100, और कॉमन रेशियो क्या है, जिस फैक्टर से ये इंक्रीज हो रहे हो, तो ये 0.6 0.6 हो रहा है, 100 का 0.6, 60 का 0.6, दिस बिकम्स दिस डिवाइडेड बाय 0.60, 0.60 कैसे आया, 60 बाय 100, या फिर बोल लो 36 बाय 60, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये क्या आ गया, 100 डिवाइडेड बाय 0.40, दिस बिकम्स $250। तो अगर गवर्नमेंट $100 की स्पेंडिंग करती है तो इकोनॉमी में $250 का इंपैक्ट आता है, हाँ या ना? ठीक है ना, गवर्नमेंट $100 स्पेंडिंग कर रही है, इंपैक्ट आ रहा है $250 का, मल्टीप्लायर इफेक्ट आया नहीं है? और कितना मल्टीप्लायर इफेक्ट आया है, $100 डाल रहे हैं और $250 की स्पेंडिंग हो जा रही है, तो 2.50x दिस इज द मल्टीप्लायर, यस नो? हाँ या ना? ये कैसे निकाला जाएगा, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। ठीक है, आपकी बुक्स क्या कहती हैं देखना, आपकी बुक्स कहती हैं फिस्कल मल्टीप्लायर इज इक्वल टू, वो ये सब समझाते नहीं है, वो बोलते हैं कुछ इफेक्ट आता है इसका, और वो बोलते हैं फिस्कल मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। बच्चे भी रट के एग्जाम में बढ़िया तरीके से आ जाते हैं कि हाँ ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी कितना है 0.80, और टैक्स रेट कितना है 25%, तो दिस इज 0.75, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.6, 1 डिवाइडेड बाय 0.40 इज इक्वल टू 2.50x। ठीक है जी, यहां तक के अगर कोई डाउट्स हो तो पूछिए। आपकी बुक्स में ये फॉर्मूला दिया हुआ है, मतलब लॉजिकली आप सोचोगे तो वो कर रहे हैं ये, बट उनको लगता है कौन इतना समझाए तो वो चुपचाप से ये लिख देते हैं। आप यहां देखोगे तो यहां भी सेम ही हो रहा है, यहां भी सेम ही हो रहा है। आप 100 को कॉमन ले लो, ये आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, दिस इज 0.60 निकाला था हमने, ये 0.6 कैसे आया था, 0.25 का टैक्स लगता था और 0.80 की स्पेंडिंग हो जाती थी, दिस केम आउट टू बी 0. नहीं, कुछ गलत कर दिया ना मैंने, जस्ट 1 सेकंड, हाँ 0.25 का टैक्स लगता था तो 0.75 बच जाता था, 0.75 इंटू 0.8 एक ही बात हो गई। आप इस फॉर्मूले को याद कर रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए कि मल्टीप्लायर इफेक्ट आ कैसे रहा है, कि $100 किसी बंदे को मिलते हैं तो वो पहले टैक्स पे कर देता है 25 रुपए का, 75 रुपए में से 60 रुपए स्पेंड कर देता है, 60 रुपए फिर इकोनॉमी में घूमने लग जाते हैं लाइक दिस, ये 60 रुपए फिर इकोनॉमी में घूमे, जिसको 60 रुपए मिले वो भी यही काम करता है, 60 में से पहले 15 रुपए का टैक्स देता है, उसके बाद 45 बचते हैं, 45 में से फिर 80%, मीनिंग 36 रुपीज वो फिर से स्पेंड कर देते हैं आगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो द फिस्कल मल्टीप्लायर इज 2.50x। अगर यहां तक के सब कुछ ओके हो, यहां तक सब समझ आ गया हो तो राइट ओके इन द चैट बॉक्स। सिर्फ एक चीज कर लीजिए, नेट इंक्रीज इन इनकम, ये जो लिखा है ना मैंने, इसे आपकी बुक्स कह रही है डिस्पोजेबल इनकम, दिस इज डिस्पोजेबल इनकम, ये लिख लीजिए, और जिसे यहां तक के सब कुछ समझ आ गया हो वो चैट बॉक्स में ओके लिख दे बस।
मुझे बताना इंटरप्रिटेशन। इफ एमपीसी इंक्रीजेस, इसको फिस्कल मल्टीप्लायर को एफएम लिख दे रहा हूं, एफ एम इंक्रीजेस ऑब्लिक डिक्रीजेस, अगर एमपीसी इंक्रीज करोगे तो फाइनेंशियल मल्टीप्लायर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इंक्रीज कैसे कैसे इंक्रीज करेगा? लॉजिकली सोचने पे भी बन जाएगा वैसे, कि जितना ज्यादा फिस्कल मल्टीप्लायर होगा उतना ज्यादा लोग स्पेंडिंग करेंगे, ठीक है ना? तो जब ये $100 अंदर जा रहा है, अगर फिस्कल मल्टीप्लायर ज्यादा होगा, सॉरी अगर एमपीसी ज्यादा होगा तो हर बंदा ज्यादा ज्यादा खर्चेगा, तो इसका जो जो ओवरऑल एक्सपेंसेस होगा वो ज्यादा बनेगा, तो जो ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पे वो ज्यादा पड़ जाएगा। और नहीं तो आप मैथमेटिकली सोच सकते हो, एमपीसी राइजेस दिस होल पीस फॉल्स, डिनोमिनेटर फॉल्स द होल नंबर राइजेस, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? फाइनेंशियल मल्टीप्लायर राइजेस, ठीक है। अब मुझे लास्ट बोलना, अगर टैक्स केस ए, अगर टैक्स राइज करता है, इफ टैक्स रेट राइजेस, फाइनेंशियल मल्टीप्लायर राइज ऑब्लिक फॉल, टैक्स राइज करेगा तो ये होल नंबर फॉल कर जाएगा, ये पूरा का पूरा फॉल कर जाएगा, ठीक है। ये जो कंबाइंड नंबर है ये फॉल कर जाएगा, ये फॉल करेगा तो ये जो ओवरऑल नंबर है ये बढ़ जाएगा, तो ये फिस्कल मल्टीप्लायर फॉल कर जाएगा, तो दिस विल बी फॉल, ठीक है जी। दिस वॉज अबाउट फिस्कल मल्टीप्लायर। फिस्कल मल्टीप्लायर की डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, बट द कॉन्सेप्ट दैट विल बी डिस्कसिंग इज कॉल्ड बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर, बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर, दिस इज पॉइंट नंबर 10। देखना आगे मूव कर रहे हैं, हमने अभी तक फिस्कल मल्टीप्लायर में क्या पढ़ा था कि अगर गवर्नमेंट ने ₹100 एक्स्ट्रा डाल दिए सिस्टम में, देखना मैंने यहां ये किया, दैट द गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने ₹100 एक्स्ट्रा डाल दिए सिस्टम में, ठीक है जी, उसकी वजह से टैक्स इंक्रीज हो गया ₹25 से, कुल मिला के क्या हुआ था? डिस्पोजेबल इनकम भी ऊपर हो गई थी, कितने से? $75 से, ठीक है। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर क्या बोल रहा है सुनना अब, व्हेन स्पेंडिंग इंक्रीजेस डिस्पोजेबल इनकम राइजेस, अभी क्या किए गवर्नमेंट ने? स्पेंडिंग इंक्रीज किए, व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजेस लिखना था रादर, तो इसका इंपैक्ट क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम राइजेस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होने की वजह से मुझे बताना क्या होगा? गवर्नमेंट का डेफिसिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज? इंक्रीज होगा या डिक्रीज? इंक्रीज, या फिर सरप्लस फॉल, ठीक है। से गवर्नमेंट वांट्स टू हैव अ बैलेंस्ड बजट, से गवर्नमेंट वांट्स, बैलेंस बजट नहीं लिखना चाहिए, वांट्स टू नॉट चेंज द करेंट बजट, नॉट चेंज द करेंट बजट लिख दो या फिर मेंटेन द करेंट बजट लिख दो,
या फिर मेंटेन द करेंट बजट। मतलब अगर अभी डेफिसिट है 300 रुपए का, मान लो करेंट बजट, इज इक्वल टू 300 का डेफिसिट। अगर गवर्नमेंट डेफिसिट इंक्रीज कर रही है तो क्या हो जाएगा? अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज कर दे तो गवर्नमेंट का नेक्स्ट ईयर का बजट क्या हो जाएगा? $400 का डेफिसिट, यही हो जाएगा ना। बट गवर्नमेंट ऐसा चाहती नहीं है। गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू मेंटेन द करेंट बजट, मतलब मेंटेन $300 डेफिसिट। इस केस में क्या करेगी गवर्नमेंट वो देखो। गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज की है, कैसे मेंटेन कर सकती है? हाउ टू डू दिस बताओ, सजेस्ट करो क्या करेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऐसा क्या करे कि उनका बजट का डेफिसिट 300 पे ही मेंटेन हो जाए? लोग बिल्कुल ठीक सजेशन दे रहे हैं, बोल रहे हैं टैक्स इंक्रीज कर दो, इनकम भी इंक्रीज कर दो, ठीक है ना। मान लो गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज कर दिया, मान लो गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज कर दिया, इसका इंपैक्ट क्या आएगा बताना? टैक्स इंक्रीज करने का इंपैक्ट क्या आएगा? डिस्पोजेबल इनकम पे, डिस्पोजेबल इनकम पे क्या इंपैक्ट आएगा? देखना एक बार, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज की थी, डिस्पोजेबल इनकम राइज कर गई थी। अब जब टैक्सेस इंक्रीज किए तो इसका क्या इंपैक्ट आने वाला है? इंपैक्ट ऑन डिस्पोजेबल इनकम, टैक्स इंक्रीज करने का इंपैक्ट ऑन डिस्पोजेबल इनकम क्या आने वाला है? ये 25 को लेट्स से अगर 35% कर देते तो ये $35 हो जाता, ये $65 हो जाता। क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम, फॉल्स, हाँ या ना? डिस्पोजेबल इनकम फॉल्स, कुल मिला के देखना क्या बोल रहा हूं। स्पेंडिंग का इंपैक्ट क्या है? स्पेंडिंग की है $100, इसका इंपैक्ट क्या है? इम्पैक्ट ऑन डिस्पोजेबल इनकम, इट राइजेस। और टैक्सेस गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दी, इंक्रीज टैक्सेस बाय $100, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? डिस्पोजेबल इनकम फॉल्स। डिस्पोजेबल इनकम फॉल्स, ठीक है ना। डिस्पोजेबल इनकम कितने से फॉल करेगी? डिस्पोजेबल इनकम कितने से फॉल करेगी ये देखना, बात समझो अब क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर गवर्नमेंट $100 राइज करती थी अपनी, अगर गवर्नमेंट 100 रुपए की स्पेंडिंग करती थी, अगर गवर्नमेंट 100 रुपए की स्पेंडिंग करती थी तो उसका जो नेट इंपैक्ट आता था, उसका जो नेट इंपैक्ट आता था वो कितना आता था? 80% ऑफ नेट इनकम, ठीक है ना। कीपिंग दिस कांस्टेंट, कीपिंग दिस कांस्टेंट, गवर्नमेंट के $100 लगाने का क्या इंपैक्ट आता था? 80%, हाँ या ना? कीपिंग टैक्सेस कांस्टेंट, समझना क्या बोलना चाह रहा हूं।
$100 की गवर्नमेंट की स्पेंडिंग का इंपैक्ट आता था 80 रुपीज का कंजम्पशन राइज में। अब मुझे बताओ, अगर इनकम $100 से कम हो जाएगी, यहां पे क्या था, गवर्नमेंट $100 डाल रही थी, अब $100 टैक्स लगा के निकाल ले रही है, मतलब नेगेटिव ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा, 80 रुपीज से कंजम्पशन फॉल करनी चाहिए, हाँ या ना? $100 का टैक्स लगने पे 80 रुपीज से कंजम्पशन फॉल करनी चाहिए। अगर किसी बंदे की इनकम $100 बढ़ा दो तो वो 80 रुपए का कंजम्पशन कर रहा था, अब अगर उससे $100 का टैक्स ले लोगे तो वो 80 रुपए की कंजम्पशन कम कर देगा, हाँ या ना? आर यू विथ मी टिल दिस पॉइंट? आर यू विथ मी टिल दिस पॉइंट? ओके लिखिए चैट बॉक्स में अगर इतना समझ आता हो तो। इसने किया क्या है, अगर गवर्नमेंट $100 की स्पेंडिंग करती है तो $80 का कंजम्पशन राइज करता है, अगर गवर्नमेंट $100 का टैक्स लगाती है तो $80 का कंजम्पशन फॉल कर जाना चाहिए। सर मुझे एक बात बताओ, आगे तो बढ़ेंगे जब बढ़ेंगे, मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट का दिमाग खराब है कि गवर्नमेंट एक तरीके से एक साइड पे $100 की स्पेंडिंग कर दे, गवर्नमेंट $100 की स्पेंडिंग कर दे, $100 के टैक्सेस लगा दे, नेट इंपैक्ट जीरो नहीं हो गया? इकोनॉमी पे कोई इंपैक्ट पड़ा ही नहीं, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? द आंसर इज फॉल्स। क्यों? देखना क्या हो रहा है, $100 की स्पेंडिंग से फिस्कल मल्टीप्लायर का इफ इंपैक्ट अगर गिनू तो ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज कर रही थी 250 से, 250 से कैसे, 100 पे 2.50x का इंपैक्ट लेके हो जा रहा था 250। अब देखना क्या बदला है, $100 का टैक्सेस लगाते हो तो $80 की से कंजम्पशन रिड्यूस हो रही, $100 का टैक्स लगाते हो तो $80 से कंजम्पशन रिड्यूस हो रही। अब फिस्कल मल्टीप्लायर का इंपैक्ट लगने के बाद एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगी $200 से, इन दोनों का जो नेट इंपैक्ट आएगा वो आएगा एग्रीगेट डिमांड राइज करेगी $50 से। ठीक है जी, तो गवर्नमेंट के पास क्या इम्पेटस है क्या कि वो अपनी स्पेंडिंग भी इंक्रीज करे, टैक्सेस भी इंक्रीज करे? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि जब वो स्पेंडिंग इंक्रीज करती है, जब वो स्पेंडिंग इंक्रीज करती है $100 से, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है $250 से, लेकिन जब वो टैक्सेस इंक्रीज करती है, जब वो टैक्सेस इंक्रीज करती है तो जो इनकम, मतलब व्हाट डू यू कॉल, पीपल अंडरस्टैंड दैट दिस वुड लीड टू रिड्यूस इन देयर इनकम, यहां क्या हो रहा है, इनकम इंक्रीज हो रही है 100 से, यहाँ टैक्सेस इंक्रीज होने के बाद नेट ऑफ टैक्स अगर देखोगे तो इनकम कितने से इंपैक्ट हो रही है, $80 से, ठीक है ना? अगर टैक्स चार्ज कर रहे हैं आप $100 का, तो इनकम पे जो इम्पैक्ट है वो $80 का आ रहा है, $80 का आ रहा है, तो जो फाइन फिस्कल मल्टीप्लायर वो इस $80 पे अप्लाई होगा, द एग्रीगेट डिमांड फॉल्स बाय $200, नेट नेट इंपैक्ट ये होता है दैट द एग्रीगेट डिमांड राइजेस बाय $50, एग्रीगेट डिमांड राइजेस बाय $50। तो क्या फिस्कल मल्टीप्लायर
क्या फिस्कल मल्टीप्लायर का इन जनरल इम्पैक्ट हमारे लिए पॉजिटिव है या नहीं है? दी आंसर इज वेरी मच यस, दी आंसर इज वेरी मच यस। इफ एग्रीगेट डिमांड राइज रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट इज इक्वल टू निल, देन क्या करना चाहिए? देखना, इंक्रीज इन स्पेंडिंग किया है आपने $100 का, इंक्रीज इन टैक्सेस $100 का नहीं होना चाहिए, इंक्रीज इन टैक्सेस कितना होना चाहिए? इंक्रीज इन टैक्स होना चाहिए 100 डिवाइडेड बाय MPC, यहां पे कितना है 100 डिवाइडेड बाय, व्हाट इज द MPC? 80%, 100 बाय 4 इंटू 5, 125 आ गए, दिस इज $125। अब ठीक आएगा, $100 का इंपैक्ट क्या आएगा? $250, और 125 पे क्या इंपैक्ट आएगा? 125 से क्या इंपैक्ट आएगा? $125 से टैक्स इंक्रीज किया आपने, इसका 80%, $100 से कंजम्पशन रिड्यूस हुआ है। इसका 2.50x, $250 से एग्रीगेट डिमांड नीचे गई, ये $250 से एग्रीगेट डिमांड ऊपर गई, नेट इंपैक्ट इज इक्वल टू निल, दिस इज बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर फॉर यू। और कोई डाउट्स हैं तो प्लीज पूछिए, और एल्स आई एम मूविंग अहेड। एक कैंडिडेट ने पूछा कि ये जीरो रिक्वायर्ड हो, ये केस ही क्यों बनेगा? आई एम नॉट सेइंग कि ये जीरो रिक्वायर्ड होगा, मैं तो बोल रहा हूँ इसका इम्पैक्ट ज्यादा ही बनने वाला है, इसका इम्पैक्ट ज्यादा ही बनने वाला है। $100 स्पेंडिंग और $100 टैक्स का जो इम्पैक्ट बनेगा वो ओवरऑल नेट इम्पैक्ट पे जो बनेगा, मतलब द इम्पैक्ट ऑन बजट, द इम्पैक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। यहाँ क्या बोल रहे हैं? इट्स लाइक दिस, वी विल से दैट नेट इम्पैक्ट एग्रीगेट डिमांड राइजेस बाय 25, वी से दैट द बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज पॉजिटिव। मैथमेटिकली स्पीकिंग बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज पॉजिटिव, मैथमेटिकली स्पीकिंग अगर ये निल रिक्वायर्ड हो तो ये निल कब आएगा? जब आप स्पेंडिंग करो $100 से और टैक्स लगा दो ज्यादा का, ये बोलना चाह रहे हैं, तो इट्स अ मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, ऐसा होगा नहीं, कभी भी गवर्नमेंट ऐसा बोलेगी नहीं। ठीक है जी, आई एम एंडिंग माई डिस्कशन ओवर हियर, नेक्स्ट पॉइंट मैं कर रहा हूँ रिकार्डियन इक्विवेलेंस। आई एम मूविंग अहेड विथ माई डिस्कशन, आई एम राइटिंग पॉइंट नंबर 11। रिकार्डियन इक्विवेलेंस सुनना, बोलना क्या चाह रहे हैं? अगर फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी है तो इससे डेफिसिट इंक्रीज होगा, ठीक है, इंपैक्ट क्या होगा देखना। फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी मीनिंग कंजम्पशन, सॉरी स्पेंडिंग हैज इंक्रीज्ड, तो यहां इंपैक्ट क्या होगा देखना, ओवरऑल स्पेंडिंग की वजह से इंपैक्ट होगा बहुत ज्यादा, और साथ में जो टैक्सेस लगाओगे उसका इंपैक्ट होगा कम,
एग्रीगेट डिमांड राइज करेगी ज्यादा, और यहां से जो एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगी वो फॉल करेगी कम, जो नेट इम्पैक्ट होगा वो होगा एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, अभी तक यही पढ़ के आए हैं। देखना आप यहां पे बोलना क्या चाह रहे हो। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी डेफिसिट इंक्रीज कर रही है और एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज कर रही है, एज सच ये शॉर्ट रन में तो ओके है, लॉन्ग रन में क्या होगा ये देखना। थिंक ऑफ दिस, लेट से ये आपका बैलेंस शीट है, आपकी बैलेंस शीट मतलब गवर्नमेंट की नहीं, आपकी पर्सनल बैलेंस शीट है। ठीक है, अगर आपका कंसिस्टेंटली स्पेंडिंग मोर देन इनकम है तो मुझे बताना इक्विटी लायबिलिटी एसेट्स, इक्विटी पे क्या इंपैक्ट होगा। अगर स्पेंडिंग कंटिन्यूअसली मोर देन इनकम है तो इसका इक्विटी पे क्या इंपैक्ट होगा। इक्विटी पे क्या इंपैक्ट होगा, इसका इक्विटी पे इंपैक्ट होना चाहिए, नीचे जाएगी। ठीक है ना, मतलब इट विल इफ इट कंसिस्टेंटली गोज डाउन इट विल अल्टीमेटली बिकम नेगेटिव एज वेल, है ना। अच्छा, ये नेगेटिव इक्विटी को फंड कहां से करोगे। अगर आपका 5 लाख का खर्चा है और 1 लाख की कमाई है तो बाकी 4 लाख कहां से आएंगे बताओ, बाकी 4 लाख रुपए कहां से आएंगे। या तो आप किसी तरीके से 4 लाख की इनकम बना दो, तो या तो आपके टैक्सेस इंक्रीज हो जाएं 4 लाख से, और नहीं तो 4 लाख से आपको डेट लेना पड़ जाएगा। हाँ या ना, यही दो तरीके। तो लॉन्ग रन में क्या होगा, अगर आप कंटिन्यूअसली डेफिसिट में हैं, भले एग्रीगेट डिमांड बढ़ भी गई है आपकी, तो भी लॉन्ग रन में क्या होगा बताना। डेट विल राइज। वी आर इन दिस टॉपिक, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल डेट, सॉरी डेट रेशियो, डेट रेशियो, वी आर टॉकिंग अबाउट डेट रेशियो। डेट रेशियो इज डेट ओवर जीडीपी। तो लॉन्ग टर्म में ये डेट जो है ये राइज करने लग जाएगा, द डेट रेशियो विल राइज। देखना अब इसके राइज करने से क्या होगा। अब मान लो ये इक्विटी बढ़ गई थी, इक्विटी बढ़ने से डेट बढ़ गया, अब ये भी एक एक पॉइंट तक इंक्रीज करता जाएगा डेट, उसके बाद क्या होगा, इस डेट को कहां से फंड करोगे, इस डेट को कहां से फंड करोगे। इसको भी तो अल्टीमेटली पे करना ही है ना, आपको अल्टीमेटली तो अपनी इनकम ही बढ़ानी पड़ेगी ना, आपको अल्टीमेटली अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी, येस और नो। शॉर्ट रन में ठीक है, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, डेट इंक्रीज हो जाएगा, मतलब आपका जो डेट रेशियो है, ये चलो डेट रेशियो को अभी के लिए इग्नोर कर दो, आपका डेट इंक्रीज हो जाएगा। एंड हाउ डू यू फंड इट, हाउ डू यू रिपे इट, इंक्रीज टैक्सेस। अच्छा, अगर हम डेट नहीं लेते तो भी क्या कर सकते थे, लॉन्ग रन में टैक्सेस को इंक्रीज कर देते कि ठीक है डेट नहीं ले रहे हैं लेकिन टैक्सेस इंक्रीज कर दे रहे। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, लॉन्ग रन में क्या हो रहा है इंपैक्ट, अल्टीमेटली देखना इंपैक्ट कुछ ऐसा हो रहा है कि अगर आप स्पेंडिंग इंक्रीज कर रहे हो तो डेफिसिट इंक्रीज कर रहे हो, डेफिसिट इंक्रीज कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में टैक्सेस इंक्रीज हो जा रहे हैं। डेफिसिट इंक्रीज किया था, डेफिसिट इंक्रीज करने से क्या इंपैक्ट हुआ था, सॉरी स्पेंडिंग इंक्रीज करने से क्या इंपैक्ट हुआ था, डेफिसिट इंक्रीज किया था और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज,
एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज बताओ। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज किया था, ठीक है ना, लेकिन डेफिसिट इंक्रीज करने से लॉन्ग टर्म का इंपैक्ट क्या होगा? डेफिसिट को फंड करना पड़ेगा। कहां से फंड करोगे? या तो लोन लोगे, और जो लोन ले रहे हैं उसको भी कैसे फंड करोगे? टैक्सेस से। या फिर दूसरी चीज ये हो सकती है कि डेफिसिट जो इंक्रीज करेगा आप उसे कैसे फंड करो? डायरेक्टली लोन से, सॉरी डायरेक्टली टैक्सेस से फंड कर लो। तो अल्टीमेटली दोनों के दोनों सूरत में, दोनों केसेस में अगर डेफिसिट होता है तो टैक्स इंक्रीज करना पड़ेगा। अब सुनना, अगर टैक्स इंक्रीज हो रहा है, अगर फ्यूचर टैक्सेस इंक्रीज हो रहे हैं, टैक्स इंक्रीज इन फ्यूचर, अगर फ्यूचर में टैक्स इंक्रीज हो रहा है तो इसका इंपैक्ट बताओ क्या होगा? फ्यूचर की डिस्पोजेबल इनकम कम। अगर फ्यूचर में टैक्स ज्यादा देना है तो आपको पता है फ्यूचर में कम होगी डिस्पोजेबल इनकम, इसका इंपैक्ट क्या होगा बताइए? इसका इंपैक्ट क्या होगा? यू वुड होल्ड मोर मनी, होल्ड या सेव मोर मनी टुडे, यस नो? अगर आपको फ्यूचर में टैक्स ज्यादा देना पड़े तो आप अपना पैसा बचाएंगे ना? सेव मनी टुडे मतलब एग्रीगेट डिमांड क्या फॉल, यस नो? स्पेंडिंग करने से इंपैक्ट क्या हुआ? इंपैक्ट हुआ पहला इंपैक्ट एग्रीगेट डिमांड राइजेस। जब आपने स्पेंडिंग की तो डेफिसिट इंक्रीज हुआ, टैक्सेस इंक्रीज हुआ, और उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड फॉल्स। अगर ये दोनों के दोनों बराबर है तो नेट इंपैक्ट क्या होगा? निल, इक्विवेलेंट हो गया, इक्विवेलेंट। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये रिकार्डो या ऐसा कुछ नाम का पर्सन था, या डेविड रिकार्डो, डेविड रिकार्डो, इसीलिए इसे कहते हैं रिकार्डियन इक्विवेलेंस। ठीक है जी। सर ये दोनों सेम होगा या नहीं होगा? यहां लिखना चाहिए इफ नेट इंपैक्ट इज इक्वल टू, इफ ये सेम है तो नेट इंपैक्ट होगा निल। इफ ए डी का राइज इज नॉट इक्वल टू ए डी का फॉल, ये हुआ तो, या फिर विच केस वुड प्रिवेल, क्या ये दोनों का इंपैक्ट सेम होगा या नहीं? क्वेश्चन है वुड ए डी राइज बी इक्विवेलेंट टू ए डी फॉल, ये क्वेश्चन है। द आंसर इज इनकंक्लूसिव, यू डोंट नो दैट वेदर दिस होल्ड्स और नॉट, ये नहीं पता किसी को भी। आपकी बुक्स कहती है इट्स एन ओपन क्वेश्चन, वी डोंट नो दैट। ओपन क्वेश्चन आपकी बुक्स ये कहती है, ठीक है जी। दिस वॉज अबाउट रिकार्डियन इक्विवेलेंस। अगर और कोई डाउट्स हैं तो प्लीज पूछिए, नथिंग मोर टू एड इन दिस एट माई एंड। ठीक है, रिकार्डियन इक्विवेलेंस डन है, अगला वीडियो करते हैं, ये यहीं पर ही एंड कर रहा हूं। अगले वीडियो में क्या डिस्कस करूंगा? अभी डिस्कस किया था ना डेट रेशियो, पॉइंट नंबर 12, डेट रेशियो। डेट ओवर जीडीपी, दिस इज व्हाट डेट रेशियो इज। मैं आपको एक चीज बोलूं, जैसे मेरा क्या नेचर है कि आप समझिए, हम लोग ना इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिस्ट बनने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं सीएफए और फाइनेंस के व्यू पॉइंट से। फाइनेंस के व्यू पॉइंट से मतलब अगर हम इसमें कॉमन पार्लेंस ढूंढें, अगर हम इसमें ऐसी चीजें ढूंढें जो हमें रियल लाइफ में दिखती हैं, तो शायद वी विल बी एबल टू
टैकल इट मोर, टैकल इट बेटर। हमें थोड़ा सा बायस क्रिएट करना होगा अपने माइंड में। थिंक ऑफ कंट्रीज, या फिर एक बार बात करते हैं इंडिया में जब इलेक्शंस होते हैं उस टाइम की, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं या बहुत सारे नेता हैं जो फ्रीबीज अनाउंस कर देते हैं। वो कहते हैं कि आप हमें वोट दे दो, उसके बाद हम बिजली फ्री कर देंगे और पानी फ्री कर देंगे, इतने 1,000 रुपए हर मजदूर के अकाउंट में जाने लग जाएगा, हम किसान का लोन माफ कर देंगे। ये सारी की सारी चीजें होती हैं। और उसके बाद जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो किसान का तो छोड़ो, मतलब किसान के साथ तो जो करते होंगे बाद में इंडस्ट्रियलिस्ट का भी लोन माफ कर देते हैं, ठीक है ना। आई एम नॉट मेकिंग अ पॉलिटिकल कमेंट, प्लीज डोंट इवन राइट एनी पॉलिटिकल पार्टीज नेम। ये ऑलमोस्ट सारे ही ऐसा कर रहे होते हैं। और लेट्स से पॉलिटिकल पार्टी ए बी सी, ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं। मान लो ए और बी ने ऐसा किया, अपने चुनाव की रैली में उन्होंने बोला कि हाँ जी हम फ्रीबीज देंगे, हम ये देंगे वो देंगे, तो पार्टी सी क्या बोलती है बताइए? वो बोलते हैं यार इनको इकोनॉमिक्स नहीं आता, इससे तो देश कंगाल हो जाएगा। अगर पार्टी ए ने बोला तो बी और सी बोलते हैं देश कंगाल हो जाएगा, अगर सी ने ऐसा बोला तो ए और बी बोलते हैं देश कंगाल हो जाएगा। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एवरीवन अंडरस्टैंड्स द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, एवरीवन अंडरस्टैंड्स द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। ऑल दे आर टॉकिंग अबाउट इज द फैक्ट दैट इफ द गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू इंक्रीज द स्पेंडिंग, इट हैज टू बी फंडेड वन वे और द अदर। अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करेगी तो उसको कहीं ना कहीं से तो फंड करना पड़ेगा। सर फंड टैक्सेस से ही कर लो ना डायरेक्टली, टैक्सेस धीरे धीरे आते हैं, तो होना क्या पड़ेगा, लोन लेने पड़ेंगे। तो कुल मिला के अगर आप देखो, जैसे अगेन नॉट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, बट आप देखना ऑफ लेट ये लिखा जाता है कि पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर इतने लाख करोड़ का लोन है। वो क्यों लोन है? बिकॉज दे हैव गिवन अ लॉट ऑफ स्कीम्स, दे हैव स्पेंट अ लॉट ऑन इट्स व्हाट डू यू कॉल पीपल, फॉर वन रीजन और दी अदर। उन्होंने स्पेंडिंग बहुत ज्यादा की, स्पेंडिंग को फंड करने के लिए एक ही तरीका है, उनको डेट लेना पड़ा। अब यहाँ पे ये डिस्कशन कर रहे हैं कि ये डेट लॉन्ग टर्म के लिए बुरा है या अच्छा है, स्टफ लाइक दैट। सबसे पहला डेट में प्रॉब्लम क्या है? इश्यूज विद डेट या नेगेटिव पॉइंट्स विद हाई डेट रेशियो, पॉइंट नंबर वन है इंक्रीज इन टैक्सेस इन फ्यूचर, ये तो है ही है। दूसरा, मुझे एक बात बताओ, अगर गवर्नमेंट अपनी नेगेटिव बजट को फंड करने के लिए बार बार लोन ही लेते रहे, बार बार लोन ही लेते रहे, तो डिमांड फॉर लोन विल इंक्रीज, डिमांड फॉर डेट इंक्रीज। डिमांड फॉर डेट इंक्रीज होगी तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ डेट इंक्रीज होगी, हाँ या ना? और कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट। इंक्रीज हो जाएगा, यस नो? इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट विल लीड टू व्हाट, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स विल फॉल डाउन। अब देखना हुआ क्या था, गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज की थी, गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज की थी ना, जिसका इंपैक्ट ये आया था। गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग इंक्रीज की है, थिंक गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंक्रीज हुई है, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया, उसकी वजह से डेफिसिट इंक्रीज हुआ है, डेफिसिट इंक्रीज होने की वजह से लोन इंक्रीज हो गया, लोन इंक्रीज होने की वजह से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया, और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स या प्राइवेट स्पेंडिंग ये डिक्रीज हो गई, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स डिक्रीज हो गया।
ये दोनों का नेट इंपैक्ट देखो क्या हुआ। गवर्नमेंट क्या करने चली थी, द इंटेंशन वॉज एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने की, और ये दोनों अगर एक दूसरे को कैंसिल ऑफ ही कर दे, ये दोनों अगर एक दूसरे को कैंसिल ऑफ ही कर दे तो नेट इंपैक्ट कुछ हुआ नहीं खास। दिस इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट इफेक्ट। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होने से एग्रीगेट डिमांड राइज, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स डिक्रीज होने से एग्रीगेट डिमांड फॉल्स, नेट इफेक्ट क्या हुआ? क्राउडिंग आउट इफेक्ट मतलब एक जगह से फायदा हो गया, दूसरी जगह से नुकसान हो गया। क्राउडिंग आउट इफेक्ट। इसका तीसरा इंपैक्ट क्या है? अब समझ लो बहुत ज्यादा डेट आ चुका है, ठीक है। नाउ व्हेन गवर्नमेंट हैज टेकन अ लॉट ऑफ डेट टू फाइनेंस द डेफिसिट, इसका इंपैक्ट क्या होगा? ठीक है, एंड स्टिल डेफिसिट कंटिन्यूज टू राइज। इसका इंपैक्ट क्या होगा बताना। लोन रीपेमेंट्स हो ही नहीं पाएंगी, एडिशनल लोन तो मिलेगा नहीं, एडिशनल लोन एट हायर इंटरेस्ट रेट, ये पॉइंट टू में डिस्कस कर लिए। और क्या हो सकता है? एडिशनल लोन नॉट बीइंग मेड अवेलेबल। आप गए वर्ल्ड बैंक के पास, आपने कहा लोन चाहिए, उन्होंने कहा नहीं देंगे जी। ठीक है, उल्टा बोल रहे हैं, ओल्ड लोन की रीपेमेंट डिमांड, ओल्ड लोन रीपेमेंट डिमांड, ये तो आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, पैसे ही नहीं है क्या दोगे? अल्टीमेटली क्या होगा बताना, अगर बंदा लोन नहीं दे पा रहा तो क्या करेगा अल्टीमेटली? डिफॉल्ट, डिफॉल्ट कर देगा। ठीक है ना, क्या करेगा मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, डिफॉल्ट कर देगी। हाँ सर, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये डिफॉल्ट करेगी तो क्या होगा अल्टीमेटली, इस कंट्री के इंटरेस्ट रेट्स और राइज कर जाएंगे। हुआ ना पाकिस्तान में ये सब, ऑप्शन टू क्या है? ऑप्शन टू क्या है? अगर लोकल डेट था, अगर लोकल डेट था, इफ लोकल डेट, इफ फॉरेन डेट है तो डिफॉल्ट कर जाएगा। लोकल डेट है तो क्या होगा? प्रिंट मनी। वैसे फॉरेन डेट में भी चल जाता है चीज, चलो प्रिंट मनी प्रिंट करना पड़ जाएगा। मनी प्रिंट करने से क्या होता है? वैल्यू ऑफ मनी गोज डाउन, और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन राइजेस।
ठीक है। हाँ निखिल, नहीं हो रहा तो उसका यही रीजन है ना, इन्फ्लेशन तो राइज हो ही रहा है ना, नोट तो छाप ही देते हैं वो। ठीक है, ये है इश्यूज विथ हायर डेट रेशियो, ये है इश्यूज विथ हायर डेट रेशियो। या फिर आर्ग्यूमेंट्स फॉर बीइंग कंसर्न्ड विद द साइज ऑफ फिस्कल डेफिसिट, आपकी बुक से कह रही है आर्ग्यूमेंट्स फॉर बीइंग कंसर्न्ड विथ हाई फिस्कल डेफिसिट। अब जैसे आर्ग्यूमेंट्स फॉर है तो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट भी आएगा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है तो भी टेंशन मत लो। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट हाई फिस्कल डेफिसिट या हाई डेट रेशियो, हाई फिस्कल डेफिसिट पब्लिक हाई डेट रेशियो। हाँ अब मैं अगेन इसमें देखना एक थोड़ा सा बायस क्रिएट करो, ज्यादा अच्छे समझ आएंगी चीजें। थिंक ऑफ कंट्रीज लाइक यूएस, इनमें पता नहीं कितने सालों से फिस्कल डेफिसिट ही चलता आ रहा है, लेकिन कंट्री फिर भी ठीक कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि फिस्कल डेफिसिट हाई होने से कुछ प्रॉब्लम ही हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, द पॉइंट नंबर वन, कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है क्योंकि पैसा तो अल्टीमेटली देश में ही है, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं कि स्पेंडिंग ज्यादा हुई है, स्पेंडिंग ज्यादा हुई है, तो गवर्नमेंट भले लॉस कर रही हो लेकिन पीपल, इनकी तो वेल्थ राइज ही हो गई है। ये बोलना क्या चाह रहे हैं, अल्टीमेटली द वेल्थ इज इन द कंट्री, सो नो इश्यूज। फिर क्या ही हो गया ये कह रहे हैं। इसके आगे ना बहुत एकेडमिक पॉइंट्स है, मतलब मैं दिल करता है कि होमवर्क दे दूं लेकिन चलो बोल दे रहा हूं फिर भी। ये क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग इंक्रीज की है, गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग इंक्रीज की है, कौन सी स्पेंडिंग, तो लेट्स से कैपिटल स्पेंडिंग इंक्रीज की है। कैपिटल स्पेंडिंग इंक्रीज करने से फ्यूचर इनकम पोटेंशियल भी तो राइज करेगा, तो फ्यूचर के टैक्सेस राइज हो जाएंगे। जब फ्यूचर के टैक्स राइज हो जाएंगे तो खुद ही टैक्स राइज कर रहे हैं, कोई चिंता ही नहीं है, ऑटोमेटिकली पे ऑफ हो जाएंगी चीजें, टैक्स राइज, सेल्फ फंडिंग हो गई ना, सेल्फ फंडिंग ऑफ लोन। पॉइंट नंबर थ्री, अगर रिकार्डियन इक्विवेलेंस होल्ड ट्रू कर जाए, अगर रिकार्डियन इक्विवेलेंस होल्ड ट्रू कर जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, प्राइवेट सेक्टर की जो सेविंग होगी, प्राइवेट सेक्टर की सेविंग और गवर्नमेंट सेक्टर का डेफिसिट बराबर, एक और पॉइंट लिखा है, इट सेज इफ द इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट लेस देन फुल कैपेसिटी डेफिसिट्स डू नॉट डाइवर्ट कैपिटल अवे फ्रॉम प्रोडक्टिव यूजेस।
इफ द इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट लेस देन फुल कैपेसिटी देन डेफिसिट्स डू नॉट डाइवर्ट कैपिटल अवे फ्रॉम प्रोडक्टिव यूजेस, ऑन द कॉन्ट्ररी डेफिसिट्स एड इन इंक्रीजिंग द जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। मैं दोबारा बोल दे रहा हूं, आप एज इट इज ही लिख लीजिए, बिल्कुल ठीक पॉइंट बोल रहे हैं। अगर इकोनॉमी 100% कैपेसिटी पे नहीं है, अगर इकोनॉमी 100% कैपेसिटी पे नहीं है, इफ इकोनॉमी इज नॉट एट 100%, देन डेफिसिट की वजह से क्या हो रहा है? हेल्प इन इंक्रीजिंग जीडीपी एंड इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट। आप सोच के देखिए ना, कोविड के टाइम पे क्या कर रही है गवर्नमेंट? वो बोल रही है ठीक है यार, जॉब्स निकालो, रोड बनाओ, सो दैट जीडीपी भी राइज करे और एम्प्लॉयमेंट भी राइज करे। ठीक है जी, दिस कंप्लीट्स माई ओवरऑल डिस्कशन ऑन फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के टॉपिक में कुछ नहीं रहता, एक लास्ट पॉइंट रहता है मॉनेटरी पॉलिसी का, लास्ट एलओएस। मैं उसको यहां पे 13 नंबर लिख दे रहा हूं, आई एम राइटिंग पॉइंट नंबर 13। यहां पे क्या पढ़ना है हमने? हमने पढ़ना है कंबाइंड इंपैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। आइए एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दिस इज कंबाइंड इंपैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी। आपकी बुक्स इसे लिखती हैं इंट्रैक्शन ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अगर आप टॉपिक वाइज देख रहे हैं तो ये मॉनेटरी पॉलिसी वाले टॉपिक का लास्ट एलओएस होगा। कंबाइंड इंपैक्ट के बदले वो लिखती हैं इंटरैक्शन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। देखिएगा अभी तक क्या आप क्या क्या केसेस पढ़ चुके हैं, देखिएगा मॉनेटरी पॉलिसी के लिए आपने क्या पढ़ा है। ये देखिए मॉनेटरी पॉलिसी अगर एक्सपेंशनरी है, मनी सप्लाई वुड बताना क्या, राइज या फॉल? मनी सप्लाई वुड राइज या फॉल? इट वुड राइज। मॉनेटरी सप्लाई राइज हो रही है तो इंटरेस्ट रेट वुड फॉल। मॉनेटरी सप्लाई फॉल्स, इंटरेस्ट रेट वुड राइज, यस नो? और अगर फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो क्या होगा? अगर फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो स्पेंडिंग, अच्छा एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंसेस और रेवेन्यू इसके बीच में क्या आना चाहिए? मोर देन इक्वल टू लेस देन। या नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या आएगा? राइज, इक्वल, फॉल या नन ऑफ दीज? सबके सब नालायक, नन ऑफ दीज आना चाहिए, नन ऑफ दीज आना चाहिए। एक्सपेंसेस मोर देन रेवेन्यू, इसका क्या मतलब है? एक्सपेंसेस मोर देन रेवेन्यू का क्या मतलब है? एक्सपेंसेस मोर देन रेवेन्यू का मतलब है कि ये डेफिसिट है और एक्सपेंसेस लेस देन रेवेन्यू का मतलब है कि ये सरप्लस है। जो केस बच गया वो बैलेंस बजट हो जाएगा, बट चलो ये दो चीजें हो गई। ठीक है जी, फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी होने का क्या मतलब है? फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी होने का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि आपका डेफिसिट इंक्रीज करे, सरप्लस डिक्रीज करे।
और कॉन्ट्रैक्शनरी होने का क्या मतलब है? कि डेफिसिट डिक्रीज करे, सरप्लस इंक्रीज करे, हाँ या ना? एक्सपेंशनरी से डेफिसिट डिक्रीज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शनरी से सरप्लस इंक्रीज हो रहा है। इनफैक्ट इंक्रीज इंक्रीज की बात कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना? करना क्या चाह रहे थे? और मॉनेटरी पॉलिसी से प्राइस स्टेबिलिटी चाहिए थी, इससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए थी। दोनों का एंड में जाके तो इंपैक्ट किस पे पड़ जा रहा था? ये सबका जाके एंड में इंपैक्ट किस पे पड़ जा रहा था? एग्रीगेट डिमांड पर, ठीक है ना? तो कंबाइंड इंपैक्ट क्या पड़ेगा वो स्टडी करना है। देखना, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये है एक्सपेंशनरी, ये भी है एक्सपेंशनरी। इसमें एक्सपेंशनरी होने की वजह से क्या होगा? अच्छा, एक एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको रुको रुको, कंबाइंड इंपैक्ट बाद में पढ़ेंगे, एक बार इंडिविजुअल इंपैक्ट पढ़ लेते हैं। इंडिविजुअल इंपैक्ट पढ़ते हैं, रुको। ये जो लेवल है ना, ये आपकी बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख दे रहा हूँ। ये मॉनेटरी पॉलिसी का क्या होगा देखना, मॉनेटरी पॉलिसी का क्या होगा देखना। अगर इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज किया जाता है, अगर इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज किया जाता है तो एग्रीगेट डिमांड वुड राइज। क्यों राइज करेगी? क्यों राइज करेगी? बिकॉज मनी सप्लाई बढ़ गई है लोगों के हाथ में, मनी सप्लाई लोगों के हाथ में बढ़ गई है। इंटरेस्ट रेट कम हुआ और लोगों के हाथ में पैसा बढ़ा, एग्रीगेट डिमांड राइजेस। फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी होने का क्या मतलब है? फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी होने का क्या मतलब है? स्पेंडिंग बढ़ गई है, टैक्स घट गया है, एग्रीगेट डिमांड घट गई है, सॉरी एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई है, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है ना? मुझे बताओ, अगर ये दोनों की दोनों, ये केस वन, चार केसेस हो सकते हैं ना, दोनों एक्सपेंशनरी दोनों कॉन्ट्रैक्शनरी। देखना एक बार, केस वन, केस टू क्या होगा? दोनों कॉन्ट्रैक्शनरी। केस थ्री होगा ये एक्सपेंशनरी ये कॉन्ट्रैक्शनरी। केस फोर होगा ये कॉन्ट्रैक्शनरी ये एक्सपेंशनरी, यही होगा ना? इंपैक्ट देखना क्या होगा, अगर दोनों के दोनों एक्सपेंशनरी हैं तो क्या इंपैक्ट होगा? तो डेफिनेटली एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज ही होने वाली है, और अगर दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्शनरी हैं तो दो एग्रीगेट डिमांड डेफिनेटली डिक्रीज ही होने वाली है, इसमें तो डाउट ही नहीं है। ठीक है जी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब देखते हैं केस थ्री और केस फोर। मॉनेटरी पॉलिसी इज एक्सपेंशनरी, लेकिन फिस्कल पॉलिसी इज कॉन्ट्रैक्शनरी, इसका क्या इंपैक्ट आएगा? इसका क्या इंपैक्ट आएगा? ठीक है, दो केसेस देखने हैं हमने, मतलब केस वन केस टू देख चुके हैं, केस थ्री एंड केस फोर ये देखना रहता है। इनफैक्ट बिफोर आई टीच केस थ्री एंड केस फोर, मैं आपको आपकी सी बुक किस तरीके से डिस्कशन करती है वो एक बार बता दे रहा हूं। मॉनेटरी पॉलिसी के केस में, मॉनेटरी पॉलिसी के केस में दे ऑलवेज लिंक थिंग्स विथ इंटरेस्ट रेट एंड विथ प्राइवेट सेक्टर डिमांड। ये एडी तो राइज है ही है, सॉरी। मॉनेटरी पॉलिसी के केस में आपकी सी बुक में प्राइवेट सेक्टर से लिंक किया हुआ है,
और फिस्कल पॉलिसी में पब्लिक सेक्टर से लिंक किया हुआ है। सर इसका क्या मतलब, इसका क्या इंपैक्ट होगा, या आप क्या बोलना चाह रहे हो? अगर मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी है तो प्राइवेट डिमांड, प्राइवेट सेक्टर पे क्या इंपैक्ट आएगा? प्राइवेट सेक्टर विल एक्सपेंड या राइज, और ये कॉन्ट्रैक्शनरी है तो दिस विल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक्सपेंशनरी में एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट, दिस विल बी एक्सपेंड, दिस विल बी कॉन्ट्रैक्ट। और पब्लिक सेक्टर में क्या करेंगे? पब्लिक सेक्टर विल बी इंपैक्टेड बाय फिस्कल पॉलिसी, तो दिस इज एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड। ठीक है जी, आपके लिए याद रखने का क्या चीज है? दिस पीस। कुल मिला के यहां पे क्या हो रहा है? एग्रीगेट डिमांड विल राइज श्योरली, बहुत एग्रेसिवली, बहुत स्ट्रांगली राइज करेगी। विल राइज, दिस विल फॉल। यहां पे क्या होगा? यहां दोनों पे एम्बिग्यूस हो जाएगा, ठीक है ना? ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगी या राइज करेगी आप ये नहीं बोल पाएंगे, बिकॉज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से प्राइवेट सेक्टर, उल्टा लिख रहा हूं क्या मैं? जस्ट वन सेक, जस्ट वन सेक। लिखा हुआ है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से प्राइवेट सेक्टर स्टिमुलेटेड रहेगा, डिमांड बढ़ेगी, लेकिन इसके कॉन्ट्रैक्शनरी की वजह से प्राइवेट पब्लिक सेक्टर जो होगा उसमें उसमें कॉन्ट्रैक्शनरी इंपैक्ट आएगा, और एंड वाइस वर्सा इन केस फोर। तो दिस टेबल इज वेरी क्रिटिकल फॉर यू। ये टेबल आपसे इजीली बन जाएगा अगर आप बस ये छोटी सी चीज याद कर लें कि आपके नोट्स या आपकी बुक के हिसाब से ये मान रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का डोमिनेंट इंपैक्ट प्राइवेट सेक्टर पे पड़ रहा है और फिस्कल पॉलिसी का डोमिनेंट इंपैक्ट पब्लिक सेक्टर पे पड़ रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है ना? दैट्स इट एज फार एज माई डिस्कशन ऑन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी वॉज कंसर्न। नथिंग मोर टू एड इन दिस। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।